Kalayatakso Bhishvambharau Dijavarau Yugadharma Palau Bande Jagat Priyakarau Karuna Avatarau Kasturi Tilakam Lalat Patale Bhakyasthale Kaustubham Nasagri Parmauktikam Karatale Kare Chakankanam Sarvangi Harichandanam Sulalitam Kanthe Chamuktavali Gopastri Parivashtita Vijayate Gopala Churaman Radhakaravachita Pallabha Valharite Radha Padanka Vilasa Madhura Stalike Radhang Jasamukham Khangam Valike Radha Bihar Vipini Ramata Manami Bhakya Vihina Paradha Lakshai Kitasi Kamadhi Taranga Madhai Kripa Maitvam Saranam Prabharna Vrinde Namaste Charinaravindam He Sri Sanatana Prabhu Karunam Bharasi He Rupa Durgata Janai Dayavulokai He Bhakta Yugma Sumati Raghunatha Dasa Shri Jeeva Mikurta Manda Matir Dayanga Vara Tamadi Devam Karunanidhanam Tamalavarnam Sruhidavataram Apara Sansara Samudra Setum Bhajamahe Bhagavatam Swarupam Jan Prabhajantam Anupetam Apeta Krityam Dvaivayana virahata tara ajubhava Utreti tanmayataya taravo vinedum Stam sarvabhuta hridayan munimaya tasmi Narayanam namaskritta narancaiva narutaman Devi saraswati vyasam Tato Jaya Mudirai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sabhi Kaur Hathu Thakar Bala Bala Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama Rama जोर करके बोलिए बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन बोले अजपि शरण अभय आत्मा भूतानापी ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्मायया।
बोले हे अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूं, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता हूं। बोले क्यों लेते हैं? बोले अनुग्रहाय भक्तानाम, बोले भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए। अगर कृष्णा अगर जन्म नहीं लेते, कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर रूप में भगवान की जन्म उत्सव मनाया। बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अगर कृष्ण जन्म नहीं होते फिर हम कथा सुनते? फिर जन्मोत्सव थोड़ी मनाते? फिर घर में बैठ कर टीवी दुनियादारी की बात करते? इसलिए भगवान अपना भक्तों को घर में अनुग्रह करने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जन्म कर्म चमे दिग्भम एवं जह व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नैति मामेति स्वयं। कोई कोई कहते हैं ना, अरे हम जैसे जन्म लिया भगवान वैसे ही जन्म ले लिया। भगवान कहते नहीं, बोले जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म और जो कर्म है वो अवलोकित अप्राकृत दिव्य है। अगर यह चीज को कोई सही सही समझ ले, कभी ये शरीर छोड़ने का बाद फिर जगत में उसको दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। जैसे कृष्ण जन्म लेने से पहले देवकी वसुदेव को उन्होंने कारागार में चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए, उनकी पूर्व जन्म की सारी बात सुनाई। बोले पूर्व जन्म में तुम दोनों प्रिश्नी और सुतबा थे, देश का राजा रानी, लेकिन तुम दोनों ने संसार का कोई विषय भोग नहीं किया। सारे विषय भोग छोड़ करके पेड़ से जो पत्ता गिर जाता था उसको खा खा करके 10,000 साल तपस्या की। मैं संतुष्ट होकर के बोला बताओ वर मांगो। बोले प्रभु हमें आप जैसे हमें एक लाला चाहिए। बोले मेरे जैसे कोई होता ही नहीं। इसलिए ब्रह्म सूत्र में उपनिषद ने बताया न तत् समस्याभ्य अधिक दृश्यते। बोले मेरे से बड़े की बात छोड़ दो, मेरा बराबर भी दुनिया में कोई होते ही नहीं। मैं असमर्थ तत्व हूं, मेरे जैसे तो कोई होते ही नहीं। ठीक है मैं तुम्हारी प्रेम में संतुष्ट हूँ, अगली जीवन में तुम्हारी लाला बन करके आ जाऊँ। इसलिए कृष्ण स्वयं वही पूर्व जन्म में जो प्रिश्नी और सुतपा थे वही श्री देवकी वसुदेव में तदात्म होकर के जन्म ग्रहण किए। भगवान उनकी बेटे बन करके ठाकुर जी आए हैं। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकटित हुए। आज हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे आते हैं। अभी ध्यान देखते सुना सकते थे कहते श्री नंद बाबा की जो पिताजी थे उनका नाम था श्री परजन बाबा। इनके 5 बेटे थे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। अभी पहले पहले ये नियम होता था जब किसको 50 साल उम्र हो जाए ना फिर कोई घर गृहस्थ में नहीं रहते थे। इसलिए 4 वर्ण और 4 आश्रम, 4 आश्रम में पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, पहले सबके सब 25 साल तक गुरुकुल में जाते थे, वेद पुराण उपनिषद अध्ययन करते थे। अध्ययन के बाद में गुरुजी प्रश्न करते थे बेटा बताओ अभी क्या करोगे। अभी जिन लोगों ने गीता भागवत वेद सुन करके उनको पता चलता था कि जो मानव शरीर है ये साधारण जन्म नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ठाकुर जी देते। जिनको ये बात पता चलता था जीवन का उद्देश्य क्या है, बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति कैसे, जीवन में भगवान को कैसे प्राप्त करें। जिसको ये चीज पता चलता था बोले गुरु जी हम और घर में लौटना नहीं चाहता हूँ, आपका श्री चरण में रह करके आपकी चरण की सेवा करते हुए अपना जीवन को हम बिताना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा आश्रम में रहो भजन करो, लेकिन अभी जो घर गृहस्थी के बगैर रह नहीं सकते, शादी के बगैर रह नहीं सकते। गुरु जी बोलते थे बेटा घर में वापस जा करके अपना वर्ण कुल
और जाति के अनुरूप शादी करना, लव मैरिज नहीं करना। पहले ये लव मैरिज कर दी, कुछ था नहीं, लव मैरिज नहीं करना। पिता माता तुम्हारी वर्ण कुल अनुरूप जहाँ शादी देंगे वहीं पर शादी करना, और दोनों पति पत्नी मिल करके गृहस्थ धर्म को जाजन करना। बोले गृहस्थ धर्म मतलब क्या, क्या खाओ पियो और बच्चे जन्म दे दो? बोले नहीं, इसलिए भागवत में बताया गृहस्थ का मतलब होता है गृह,
Prasi Vrindavan Vihari Lal Ki Jai Jai Sri Radhe. उसके बाद में जो अंक आती है ना, अनहत्तर, सत्तर, इकहत्तर, इसमें बड़ा महत्व रखता है. बोले तर तर मतलब क्या? बोले भैया तर सकते तो है. बोले कैसे तर सकते हो? गोस्वामी जी कहते हैं सत्थ सुधर सत संगत. अगर किसी भाग्य से हमें कोई सत्संग मिल जाए, कोई अच्छे हमें साधु अगर मिल जाए ना, तभी हमारे कभी कल्याण हो सकते, नहीं तो हमारे कल्याण होना लगता है. क्योंकि जो बांस है ना, जब कच्चा बांस हो आप जिधर टेढ़ा करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बांस जब पक जाती है ना वो टूट जाएगा, लेकिन टेढ़ा नहीं होगा, वो टेढ़ा नहीं होगा. क्योंकि विषय भोग करते 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 ये मन इतने विषय में रम जाती है. आप भजन करने के लिए बैठो, 10 मिनट बैठो प्रभु का ध्यान करने के लिए, 10 मिनट का 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा. क्यों? रील में जो भरा होगा वही तो निकलेगा ना. हम तो रील में कचरे ही भर दिए, भगवान की भक्ति भरा ही नहीं. फिर जो भरा होगा तो वही निकलेगा. इसलिए आप भजन करने के लिए बैठो, दुनियादारी, नाती पोती, बेटा बेटी यही याद आएगी और कोई चीज भी याद आएगी नहीं. क्यों? हम जीवन में यही करते 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 हैं. इसलिए जो चीज को हम बचपन से आदत डालेंगे वो फिर वो रील से फिर वही निकलेगा. इसलिए पहले 50 साल के बाद में सबके साथ वृंदावन जाते थे भजन करने के लिए. अभी परिजन बाबा ने एक दिन उन्होंने 5 बच्चों को बुलाया. बोले देखो बच्चों, तुम लोग बड़े हो गए हो, शादीशुदा हो गई और तुम्हारी काम धाम ठीक ठाक है. हम चाहते हैं, हम दोनों पत्नी ब्रजवास करते हुए भजन करना चाहते हैं, हम बांध प्रस्थ लेना चाहते हैं. बोले पिताजी कोई बात नहीं, जा भजन करो, भगवान की भक्ति करो. बोले जो मेरे बड़ा बच्चा है उसको मैं राज सिंहासन में बैठा करके जाना चाहता हूँ. बड़ा बेटा खूब बोल पड़ा. बोले पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता मेरे में नहीं, ये बीच वाला जो नंद है यही राजा बनने का योग्यता है. क्योंकि वही राज्य गति को संभाल सकता है जो प्रजाओं को अपना बच्चा माने, जो प्रजाओं को शोषण नहीं, प्रजाओं को जो अपना बच्चा माने वही राज सिद्धासन को संभाल सकता है. बोले बात तो सही है. सब लोग राजी हो गए. फिर उन्होंने नंद बाबा को राज सिद्धासन में बैठा करके फिर श्री परिजन बाबा चले गए भजन करने के लिए. अभी 4 बच्चों का संतान है लेकिन नंद बाबा का घर में कोई संतान नहीं. वो बड़ी चिंता में पड़े हुए भविष्य समय कि राज सिद्धासन को कौन संभाल सकता. उन्होंने दान व्रत तपस्या यज्ञ बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कर्म किए. घर में एक लाला की जन्म हो गया लेकिन किसी तरफ नहीं हुआ. एक बार क्या हुआ, एकादशी व्रत आई. एकादशी में कल हम सुन रहे थे ना, ये जो एकादशी व्रत है ये कल्पतरु व्रत है, जो मांगोगे वही मिलता है. एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी. जब ये पुत्रदा एकादशी आए, नंद जसोदा बैठ गए तो सोचे देखो हमने सारे व्रत तो किए हैं लेकिन अभी तक हमने ये पुत्रदा एकादशी नहीं की. पुत्रदा मतलब जो पुत्र को दान करता है. हम दोनों पुत्रदा एकादशी व्रत रखेंगे. जब उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत रखे, जब रात को सोए ना ठीक ब्रह्म मुहूर्त में, दोनों बड़ा स्वप्न सुंदर स्वप्न देखा. बोले वो स्वप्न क्या था? बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्तवांक स्थले पयोधार स्फुट मसो क्रीड़ांगमयम लोक्यते. ये स्वप्न था. इन्होंने देखा आकाश में बिजली चमकते हुए एक श्याम रंग का बालक, उनको पीछे पीछे देखा कि सुंदरी एक बालिका, ये दोनों आकर के नंद बाबा के हृदय में प्रवेश किया. और नंद बाबा का हृदय से फिर उन्होंने मैया यशोदा के हृदय में प्रवेश की. और उस नंद बाबा स्वप्न देखा मैया यशोदा की गोद में बड़ा सुंदर बालक पड़ रहा है और स्तन पान करते करते दोनों धार से दूध बह रहा था. और मैया जसोदा भी स्वप्न देखी एक सुंदर बालक
माँ माँ करते करते पीछे पीछे आके थी, कपड़े पकड़े करके बोले भैया मेरे को गोद मिले, भैया मेरे को दूध मिला। मैंने स्वप्न देखा सचमुच से उसी रात को ही मैया जसोदा गर्भधारण थी, ब्रज में हला हो गया। मैया जसोदा बुरी उम्र में भी गर्भधारण की है। ब्रज की जितनी गोपियां थी ना वो 6 महीना पहले 84 84 ब्रज की लहंगा सुंदरी बना करके रखी। बोले नंद के लाला होगा तो हम सब के सब पहन करके बधाई देने जाएंगे। और जितने गोप लोग थे सबके सब बगल बंदी धोती पगड़ी बना करके सबके सब रखे। अभी पहले तो मशीन नहीं हुआ करता था। एक बड़ी बुढ़ी गोपी मैया जसोदा से बोल बोले भैया लगता है तेरे गर्भ में बालक जन्म होगा। बोले तेरे को पता कैसे चला? बोले तेरे जो होठ है ना वो पीला पीला दिख रहा है, इसका मतलब लड़का होने वाला है। एक गोपी बोली भैया तुम्हारी जो कुंवारी अवस्था में जुड़ में खेले तो नहीं खाली? बोले क्यों? बोले लगता है तेरे गर्भ में 2 बच्चे सचमुच से कृष्ण और जोग माया ये 2 बच्चे थे। जब गर्भ में बच्चे होते हैं माताओं को चटपट चीजें अच्छी लगती हैं। मैया बोले मेरे को तो खीर खाने की इच्छा कर ली। तो उन्होंने सुंदर गैया के दूध में खीर बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और उन्होंने मैया जसोदा को खीर दिया। देखो माता ध्यान देकर सुना, एक होता है गर्भ संस्कार। बोले गर्भ संस्कार मतलब क्या? जब पेट में जो बच्चा हो अगर माता रामायण पढ़े भागवत पढ़े गीता पढ़े और भगवान की सुंदर सुंदर तस्वीर देखे ना वो बच्चे को फिर अच्छे प्रभाव पड़े। आप लोग रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? देखना जिस समय माँ सीता गर्भवती थी, अब रामायण देखे होंगे, जब गर्भवती थी भगवान राम ने बड़े बड़े संतों को उन्हें बुलाया और उनके राम दरबार में सत्संग हुई और भगवान राम सीता को भी एक आसन देकर के बैठाए। बोले सीते जानते हो ये संतों को क्यों हमने बुलाया? बोले क्यों? बोले आपको गर्भ भी गर्भवती, अगर इसी समय में तो सत्संग सुनोगे बच्चा बड़ी संस्कार बच्चा बड़े अच्छा बनेगा। इनके बच्चे कौन हुए? लव और कुश हुए। अब लव कुश देखे हो क्या बच्चे, क्या बलवान उनने सुग्रीव हनुमान और एक लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को धराशायी कर दिया। अब राम दरबार में उन्होंने जो रामायण सुना रहे थे लोग सुन सुनकर दंग रह रहे थे, क्या रामायण, क्या उनकी गला की आवाज उनकी थी, क्योंकि गर्भ में बच्चे रहते हुए उन्होंने सत्संग सुन लिया। अगर गर्भ में बच्चे अगर डिस्को ध्यान उल्टा पुल्टा फिल्म देखोगे ना वो बच्चा डाकू बनकर निकलेगा। आप देखना कोई कोई बच्चे तो बड़े संस्कारी होते हैं, सवेरे उठेंगे पिता माता के चरण छुएंगे पिता माता के आदेश से पालना करेंगे, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे बड़े उद्दंड होते हैं पिता माता की बातें नहीं सुनते हैं। यदि ये दोष किसके बोले मान, ये दोष मान, क्योंकि गर्भ में बच्चे रहते हुए अगर ये गर्भ संस्कार नहीं डालते हैं फिर तो बच्चा बड़ा गड़बड़ी होगा, इसलिए इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। इसलिए मैया जसोदा जिस समय गर्भ में कृष्ण थे उनको सुंदर सुंदर भगवान राम की कथा राम लीला ठाकुर की भगवान विष्णु की नारायण की सुंदर सुंदर उनको कथा सुनाई, ठाकुर जी को उनको कथा सुनाई, उनको सुंदर ग्रंथ पढ़े ठाकुर जी को। अभी नंदा बाबा की एक बहन थी जिसका नाम थी सुनंदा, उसने तो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई। बोले क्यों? बोले भाभी गर्भवती है, भाभी की बच्चा होगा ना मेरे को नवलाख की हार मिलेगी। वो 6 महीना पहले आकर घर में बैठी गई और सारे घर का काम काज को वही कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात को ही बालक की जन्म हो जाएगी। बोले काम करो, पहले गांव में 8 बजे तक जगे रहते थे और रोटी वोटी खा करके सबके सब सो जाते थे। बोले 8 बजे तक तो जगे रहेंगे उसके बाद में सो जाएंगे, एक काम करो कुछ कुछ गोपियों को ढोलकी मजरा दे दो बैठ करके कीर्तन कर। अभी 10 से लेकर के 12 बजे तक जिनको 8 से 10 तक जिनको ड्यूटी लगवाए वो तो मजरा और ढोलकी लेकर के बोले गोविंद जय जय
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामायण हरि गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद बल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय रामायण हरि गोविंद जय जय रामायण हरि गोविंद जय रामायण जय महारानी जय महारानी जय महारानी जय धारी की जय बनवारी जय गिरिनारी की जय वनवारी बल पुत्र बिहारी की जय 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 बल पुत्र बिहारी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय ये सब के सब कीर्तन करने की लेकिन 10 से लेकर के 12 बजे जिनको ड्यूटी लगवाए ना पता नहीं कब सब जोग माया आई और सब के सब सुला दिया और किस समय से कृष्ण जन्म हुए पता ही नहीं चला और वसुदेव महाराज कब आए उनने बेटा को रख करके बेटी को लेकर चले गए किसको पता ही नहीं सबके सब सोए पड़े हुए इतने में एकदम सवेरे सवेरे यमुनादा की आंख खोली देखा सब के सब सोए पड़े हुए बोले भैया भाभी का क्या हालत है उनने दरवाजा खोल करके देखा मैया जसोदा की गोद में एक सुंदर बालक दौड़ रहा है और कीचड़ मारते हुए खेल रहा था अरे भैया भाभी की कब बच्चा जन्म हो गया तो पता ही किसको नहीं पड़ा ये पहला खबर देनी चाहिए श्री नंद बाबा को फिर मेरे को नवला की हार मिलेगी लेकिन नंद बाबा कहाँ उनको ढूंढो ढूंढते ढूंढते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे देखा नंद बाबा तो माला जप कर रहे थे उनको माला जप नहीं हो रहा था सोच रहे थे घर में छोरा कब है वो लाला कब है वो छोरा कब है वो यही सोच रहे थे इतने में सुनंदा ने आकर के बोले बोले भैया कमाल है गए हुए नंद बाबा तो छलांग लगा दिया बोले भैया कहा बोले बहनी कहा गए हुए बोले पहले ये बताओ मेरे को मिलेगा क्या उसको बाद में फिर मैं बताऊंगा बोले नवला की तो हार ले ले बोले भैया बात इतनी बड़ी है ना जिसको सामने नवला की हार भी कुछ नहीं बोले तू क्या बोल रही हो नवला की हार है बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है बात भी कम नहीं बहुत बड़ी बता दे और क्या दोगे बोले ठीक है जमुना किनारे में गैया जो चरते है ना जितने जमनी लगाते तेरे नाम पर बोले भैया बात इतने बड़ी वो जमीनी जगह तो भी उसको सामने कुछ नहीं बोले क्या बोल रहे हो तेरे को पता कितने जमीनी जगह है बोले तेरे को पता बात क्या तेरे को पता है बोले बता दे और क्या दोगे बोले ले ट्रेजरी के सारे चाबी जाके तू ले जो इच्छा उसको खोल करके ले ना लेकिन बता तो सही घर में क्या भय हो कहाँ भय हो बोले भैया तेरे घर में लाला भय है नंद बाबा इतना प्रसन्न इतने खुश हुए क्योंकि कितने जप किया कितने ध्यान कितने तीर्थाटन किया घर में के लाला की जन्म हो जाए नंद बाबा तो वहां से दौड़ लगा जितने ब्रजवासी थे बोले बाबा जीवन में पहला बार लाला का मुख दर्शन करोगे अभी सारे ब्रजवासी आएंगे अरे कम से कम सज्जत करके जा बड़े सुंदर धोती बगल बंदी पगड़ी बना लिए बड़े सुंदर तिलक लगा दिए गले में सुंदर फूलों की माला डाल दिया बोले देखो अभी शीशा में बोले भैया बढ़िया बढ़िया तो लग रहा है लेकिन एक चीज की कसर रह गई बोले किस चीज की बोले दाढ़ी ना थोड़ी सफेद बोले चिंता क्यों करते उसको भी कलर कर देते हैं उसको भी काला बना दिया बोले देखो कैसे लग रहा बोले बात अभी चौको लग रहा अभी तो बढ़िया लग रहा है नंद बाबा गए जब उन्होंने लाला की पहला बार मुख दर्शन किया उन्होंने संकल्प की ब्राह्मण और संतों को 20 लाख गैया में दान दिया और 7 तीन का जो पर्वत है
मतमल बल कपड़े ओढ़ करके ब्राह्मण संतों को मैं दान दूंगा, उन्होंने संकल्प कर लिया। बोले देखो आज ब्राह्मण संतों के आशीर्वाद से घर में लाला भयो है, जाओ पहले ये संत ब्राह्मण को बुलाओ, ये लोग आकर के पहले बच्चे को आशीर्वाद दें। जितने संत ब्राह्मण आए बड़े सुंदर स्वस्ति वाचन पढ़ करके लाला को सबके सब आशीर्वाद दिया है। बोले जाओ नाई को भेज दिया, ब्रज मंडल में ठिठरा भिजवा दो, जितने गोप गोपी श्रृंगार करते हुए और दूध दही मक्खन मिश्री लेकर के सबके सब बधाई देने आए। नाई जा करके पूरा ब्रज मंडल में उन्होंने ढिंडरा पिटवा दिया और जितने गोपियाँ थी ये सारे गोपियाँ बड़े सुंदर सुंदर साड़ी सुंदरी ओढ़ करके और जितने गोप बगल बंद धोती और पगड़ी पहन करके बड़े सुंदर दूध दही हाँ मिश्री घी लेकर के सबके सब बधाई देने के लिए आ गए। जब गोपियाँ आ रही थी कान में बड़े सुंदर कुंडल पहन रखती, वो कुंडल बड़े जोर जोर से ये कुंडल हिल रहा था। बोले क्यों? मानो ये कुंडल ये बता रहा था गोपियाँ तुम लोग पहुँचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जा कर के सबसे पहले कन्हैया को बधाई दे। ये गोपियाँ जो चोटी में सुंदर सुंदर फूलों की माला से श्रृंगार की थी वो एक एक फूल उनकी चरणों के ऊपर गिर रहा था। बोले क्यों? बोले जो व्यक्ति कृष्ण को बधाई देने जा रहे हैं उनकी चरण की पूजा करनी चाहिए। और जितना गोपियाँ थी ना सबके सब मैया जशोदा को बधाई दे रही हैं। हाँ ध्यान देख रहे, देखो अभी इस तरफ में सब गोपियाँ बैठी हैं, अभी मैं बोलूँगा मैया जशोदा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो, जोर से बोलना क्योंकि इसको बाद में फिर गोपों का फिर नंबर आएगा। अभी देखेंगे कौन जीतता और कौन हारता है, जोर से बोलना ठीक है। इतने में जितने गोपियाँ थी मैया जशोदा को बोले, बोले मैया जशोदा बधाई हो। वो आज एकादशी से आवाज नहीं मिली, आनंद आया लेकिन अभी 20% बाकी है, कुछ तो पैसे चुपचाप बैठे। जोर से बोलना ठीक है, बोले मैया जशोदा बधाई हो। मैया जशोदा बोली बधाई हो ब्रज की गोपियाँ, तुम लोगों को आशीर्वाद से ये बूढ़ी उम्र में भी आज मैंने लाला के मुख दर्शन करने को मिलो, ये लाला मेरो नहीं ये लाला तुम सब लोग का लाला है। और जितनी गोपियाँ हैं ना हृदय से बच्चे को आशीर्वाद दे रही थी। बोले जो मुझे बुझी ओरी जशोदा मैया तेरो ललना, जितने गोप थे भैया हारना नहीं है ठीक है ना। अभी जितने गोप लोग थे ये सबके सब जा करके नंदा बाबा को तुम बधाई दे रहे थे। मैं बोलूंगा नंदा बाबा बधाई हो, आप लोग बोलना बधाई हो बधाई हो। बोले नंदा बाबा बधाई हो। इसलिए इतने में मुझे लाला को मुख दर्शन करने को मिलो, लाला मेरो नहीं ये लाला सब लोगों को लाला है, सब लोग हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो मैं पहले बता रहा था ना सचमुच से अगर कोई जो वृद्ध लोग हैं वृद्ध माताएं वृद्ध लोग पुरुष लोग बाबा लोग अगर ये लोग हृदय से बच्चे को आशीर्वाद देना कहते ब्रह्मा जो ललाट में लिखा हुआ हमारी भाग्य है ना ये भाग्य बदल जाते हैं। अगर कोई पिता माता आशीर्वाद दे बच्चे को हृदय से सचमुच से आशीर्वाद दे कहते विधाता जो भाग्य रेखा है वो बदला देती है। इतने महिमा वृद्ध लोगों को बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने की इतने महिमा इसलिए नियम दिया है
सवेरे उठ करके क्या करो, अपना गुरुजनों को पिता माता को सवेरे उठ करके सबसे पहले उनकी चरण, सबसे पहले उनकी चरण छूनी चाहिए, जैसे वो हृदय से हमें आशीर्वाद दिया करते। अभी जितने ब्रजवासी सबके सब आगे, लेकिन दो व्यक्ति नहीं आए, बोले कौन? बोले श्री वृषभ महाराज और कीर्तिका सुंदर। बोले ये कौन है? बोले राधा रानी के पिता और ये माता। अभी तक ये दोनों नहीं आए, ये दोनों आ जाए ना फिर उत्सव प्रारंभ होगा। देखते देखते सचमुच से वृषभ महाराज और कीर्तिका सुंदर दोनों प्रवेश करते, और राज रानी नंदम कीर्तिका सुंदरी कौन? राधा रानी की माँ। वृषभ महाराज राधा रानी के पिता बड़ी सुंदर श्रृंगार करते हुए दोनों प्रवेश किया। जब प्रवेश किया अभी नंद महोत्सव प्रारंभ होगा, एक गोप ने लठिया लेकर गया और श्री कृतिका मैया जो दूध दही हाँ मक्खन मिश्री की मटकी रखती ना, उन्होंने बड़ी जोर से मटकी को मारा, मारते मटकी तो फूट गई और दूध दही से कृतिका मैया दूध दही से स्नान कर लिया। है तो एक दही का भी, दही का भी मतलब दही में हल्दी और घी मिला करके एक दूसरे को पर लगाते हैं, फिर तो शुरू हो गया और इतने दही दूध लाए थे ना वो किचड़ किचड़ हो गया, सब फिसल फिसल करके एक दूसरे को ऊपर में गिर रहे थे, मक्खन के टेले को टेले उठा उठा करके फेंक रहे थे। एक 100 साल की डॉक्टर थी वो तो ऐसे देख रही थी, बोले भैया बड़े जोर की उत्सव है रहे हुए, उसकी एक भी दांत नहीं थी, एक गोप ने उठाया मक्खन के डेला और उसकी मुंह को लख करके सीधा मारे, और मुंह में लगते ही एक तो दांत थी नहीं, मुंह में लगते ही ना सीधा अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं सबके साथ, इसलिए सबके सब जा रहे थे नंद के आनंद भयो आनंद के आनंद भयो लाल की आनंद के आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की आनंद के आनंद भयो सबके सब नाच रहे थे, लेकिन श्री नंदवा बैठ बैठ कर मटक मटक कर देख रहे थे। जितने नंददा बरसाना का गोप थे बोले बाबा आज घर में तेरे लाला भयो रे, कम से कम आज का दिन तो नाच ले। कहते नंदवा का आंगन राजा का आंगन ना बहुत बड़ी आंगन है, इतने दूध दही लाए थे पूरा आंगन आंगन दूध दही से भरा हुआ, ऐसे लग रहा था मानो एक क्षीर समुद्र क्षीर समुद्र। नंद बाबा अपना कमर में फेटा बांध कर रखे थे, नंद बाबा और बरसाना का गोप दोनों को दोनों तरफ में पकड़ करके उसको पकड़ करके ले गए बीच में। बीच में जब खड़े कर दिए हमारे संत लोग बड़ा विचित्र वर्णना करके, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे देवता दैत्य लोग मिल करके कैसे समुद्र मंथन किया। ये देवता कौन है? ये रजगुण। दैत्य कौन है? बोले ये तमोगुण। और समुद्र क्या है? ये लवण समुद्र है। लेकिन आज ऐसे लग रहा है मानो ये क्षीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कहते एक तरफ में नंदगांव, दूसरे तरफ में बरसाना के ब्रजवासी, ये कौन है? ये निर्गुण है। कल जो समुद्र मंथन हुई थी सबसे पहले हलाहल बीज निकला, जिसको भोले बाबा पान किया तो अपना कंठ में धारण कर लिया, उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। लेकिन वो समुद्र मंथन से तो बीस निकला, बोले ये मंथन से गोस्वामी जी कहते हैं नंदस्तु आत्मा जाता लाद महावना, यहाँ पर तो स्वयं आनंद गर्व
भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर प्रकट होते हैं। कल जो समुद्र मंथन हुई थी उसे 14 अध्ययन किया। उचे सर्वापस्व सेमंतक मई ऐरावत हस्ती से 14 रत्न निकला था। लेकिन आज कृष्ण जन्म महोत्सव में नंदबाबा इतने धान दौलत हीरे जवाहरात उन्होंने लुटाया। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित नंद किरण अभूत नृप, उन्होंने इतने हीरे जवाहरात उन्होंने लुटाया, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध करके ले नहीं पा रहे थे। गठली के कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था, अली गलियों में बिखरा हुआ। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण जन्म लेने पर ब्रज में माँ लक्ष्मी स्वयं गली गलियों में नाच रही हैं। और जन्म महोत्सव में 33 करोड़ देवता भी आए थे, उसमें भोले बाबा भी आए थे। आप बताओ तो भोले बाबा का बहन कौन है? नंदी। बोले का हाथ उठा। नंदी। भोले बाबा का बहन कौन है? नंदी। नंदी। नंद बाबा ने 20 लाख गैया दान की। जब 20 लाख गैया उन्हें दान दे रहे थे, इतने में शंकर तो चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? बोले भैया मेरा बहन भी तो नंदी। ऐसे नहीं, गैया को दान देते थे, अगर भूल से मेरे नंदी को अगर दान में दे दिया ना, फिर भैया मैं बैठ कर किस में जाऊंगा है। इसलिए शंकर जी नंदी का पूछ को पकड़ लिए। बोले मेरे नंदी को दान में नहीं चले जाए। कहते वहां माँ पार्वती भी आई थी, पार्वती के भी दो लाला है। कौन कौन दो लाले हैं? बोले जोर से, गणेश और कार्तिक। उसमें गणेश नहीं थे, गणेश गजाना नहीं। कहते ना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। उन्होंने इतने हाथी घोड़ा दान दिए, मैया पार्वती भी डर गई। बोले क्यों? अगर मेरे बेटे को हाथी को दान दे देते, भूल से अगर मेरे बेटे को हाथी मान कर दान दे दिया, फिर मेरे लाला ही चला जाएगा। इसलिए उन्होंने ले लिया किसको, अपना बेटे को गोद में लेकर के बड़े जोर से चुपका करके खड़ी हुई थी। वहां पर स्वयं कुबेर आए थे। कुबेर कौन है? स्वर्ग के जितने धन दौलत के हैं जो भंडारा है, भंडारा जिसको पास में, खजाना जिसको पास में। कहते इतने नंद बाबा दान दिए, कुबेर का सर नीचा हो गया। बोले भगवान मेरे को झूठ मूठ का क्यों कुबेर बना दिया? बोले क्यों? बोले नंद बाबा इतनी हीरे जवाहरात को दान दे रहे हैं, भैया मेरे पास लोग इतना है नहीं, फिर भैया किस चीज में कुबेर हूँ? बोले इतना पैसा आया कहाँ से ब्रज में? बोले जब भगवान कृष्ण जन्म हुए, माँ लक्ष्मी कौन? बोले स्वयं से राधा रानी प्रकट हो गए और उन्होंने रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिया। आज मेरे प्रियतम कांके बिहारी ने जन्म लिए हैं। आज इतने दान दे नंद बाबा, इतने दान दे, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करते रहे मेरे प्रभु की जन्म उत्सव में नंद बाबा कितने दान दिया है। इसलिए सारा दुनिया गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोई जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। लेकिन सबके सब तो नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई थी। बोले वो एक व्यक्ति कौन है? बोले श्री रोहिणी। बोले रोहिणी कौन? बोले दाऊ भैया की माँ। बोले ये क्यों घर में गुमसुम होकर बैठी हुई थी? बोले जिसका वो थी प्रसिद्ध भत्रिका। प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब होता है जिसका पति विदेश में हो और दुख में हो, उसका पत्नी सबके सामने नाचेगी? नहीं नाचेगी। पति कौन? वसुदेव महाराज। कहाँ पर? बोले कंस भी जेल में ले गए। अगर जिसका पति जेल में रहेगा उसका पत्नी सबके सामने नाचेगी? कभी कभी नहीं नाच सकती है। इसलिए वो बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। और श्री ताऊ भैया जब से जन्म हुए तब से वो आंख बंद की रखे। बोले जब सर्वप्रथम मैं आंख खोलूंगी, सबसे पहले कन्या की आंख रूप दर्शन करूंगी, फिर वो दुनिया को मैं देखूंगी। नंद बाबा ने देखा, देखो मेरी लाला की जन्म महोत्सव में सबके सब यहाँ पर, लेकिन केवल एक व्यक्ति नहीं। बोले कौन? बोले श्री रोहिणी नहीं। बोले घर का सदस्य कहाँ गई? बोले देखा बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई है। बोले रोहिणी मेरी लाला की जन्म महोत्सव में सबके सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तू घर की सदस्य होकर के यहाँ गुमसुम होकर बैठी हो? अरे कम से कम मेरे लाला को तो दर्शन दे, आशीर्वाद दे कर क्या?
इतने में रोहिणी अपना लाला से दाऊ भैया को ला करके उन्होंने कृष्ण को पास में लेटा दी और लेटा दी ना, इतने में श्री बलदेव प्रभु आँख खोल दिए। आँख खोल कर श्री कृष्ण को सामने देखे। रोहिणी तो दुखी थी लेकिन जब देखा लाला की आँख खुल गई ना, वो इतने प्रसन्न हो गई। वो भी ठुमका लगा कर नाचना शुरू कर दी। अभी प्रभु जी एक सुंदर बधाई गाएंगे। देखो यहाँ पर 33 करोड़ देवता भी अपना रूप बदला बदला करके आए और ये नंद महोत्सव में सबके सब नाच रहे हैं। इसलिए आप लोग बड़े देर से बैठे हो, मुझे लगता है आपका टांग दुखता होगा। एक बार टांग को सीधा कर दो, खड़े हो जाओ सबके सब। भगवान जन्म लेके सब जो खड़े हो जाओ और भगवान जन्म ले रहे हैं। एक बार जन्म उत्सव में नाच लोगे ना, फिर 84 लक्ष्य के लिए नाचना बंद हो जाएगी। तेरे लाला की सुनी के मैं आई, तेरे लाला की सुनी के मैं आई, यशोदा मैया तेरो Thank you.
बाकी गए भगवान जन्म हुए कुछ गोपियां तो सामने नाच रही और पीछे तो पेड़ जैसे खड़े वैसे ही खड़े हो पेड़ के जैसे वैसे खड़े हुए हो भगवान जन्म हुए सारे देवता 33 करोड़ देवता नाच रहे अब तो आनंद नहीं आ रहा देखना शादी में कैसे नाचते हैं सबके सब शादी पा करके पागल होकर नाचते हैं और त्रिलोकी नायक जन्म हुए हैं इसलिए कम से कम शरीर को तो हिलाओ कम से कम इसलिए खड़े नहीं रहना सबके सब थोड़ा नृत्य करना बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की Oh, 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 oh,
राजवासी हिंदी राजवासी हिंदी राजवासी देवकी बड़ी प्रार्थना की लेकिन कंस सुनाई नहीं। अभी तक थी वो जोग माया, क्यों देवकी गर्भ हाथ में थी। जब कंस स्पर्श किया तो हो गई महामाया। जब कंस पकड़ करके पछाड़ने के लिए गया, इतने उसने एक ठोकर मारे कंस को, कंस वहीं पर ध्यान कर गिर गया और आकाश में जाकर के बोली, रे मुरा कंस, तू मुझे क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस ने देखा, ये मेरी कुलदेवी, ये कभी झूठ नहीं बोल सकती है। फिर देवता लोगों क्या मेरे साथ में धोखेबाजी की,
कंस ने जितने अपना अनुजाई पुत्र अघासुर बकासुर को बुलाया, बोले मेरे काल तो और कहीं जन्म ले लिया, बताओ अभी मैं क्या करूं। इतने में पुतना खड़ी हो गई, बोले भैया मेरा नाम ही पुतना है। पुतना मतलब क्या? पुत मतलब पुत्र, ना मतलब नहीं जिसकी पुत्र है नहीं। बोले मेरा नाम ही पुतना, ये पुत का क्या जरूरत है? कहीं अगर बच्चा जन्म लिया होगा एक महीना को अंदर में ना, बोले हाँ, बोले मेरे का आदेश दो ना, मैं अपना मन मर्जी रूप धारण कर सकती हूँ। इतने में पुतना आ गई गोकुल में। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बोले भैया पुतना का एक अर्थ होता है पूत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं अपवित्र। बोले ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है? बोले नजत्र श्रवणादि रक्षक नाम स्वतम। जिस घर में हरि कीर्तन नहीं, भगवान की पूजा पाठ नहीं, उसी घर में ये पाप प्रवेश करती है। और जिस घर में कीर्तन हो ना, हरि के नाम हो, कीर्तन हो, पूजा पाठ हो, वो घर में पाप प्रवेश नहीं करती है। इसलिए नियम है अपना घर में रोज ध्यान देकर सुना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तब उन्होंने सारे भक्तों को बुलाए, बुला करके भगवान कहते हैं बताओ मेरे को कौन कौन प्रेम करते हो? सब भक्तों लोग हाथ उठाए, बोले अगर तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो मैं कलयुग में दो रूप में अवतीर्ण होने वाला हूँ, एक का अपना नाम रूप में और एक विग्रह रूप में। ये ठाकुर जैसे लड्डू गोपाल है, भगवान राधा कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता, जैसे भगवान नारायण है, कहते एक विग्रह रूप में और कलयुग में एक और नाम रूप में प्रकट होता हूँ। इसलिए तुम लोग अगर मेरे को प्यार प्रेम करते हो, शाम को अपना जब सबके सब घर में आ जाए, अपना बेटा बेटी पुत्र परिवार सबको लेकर के बैठ जाना। अब सबको लेकर बैठी करके अगर मजिरा मृदंग हो अच्छी बात हो, अगर ये भी नहीं होना, भगवान ने हाथ दिया है, थोड़ी सी हाथ में ताली बजाते हुए घर में थोड़ी सी हरि कीर्तन जरूर करना, ये भगवान का आदेश है। जिस घर में ये हरि कीर्तन होगा, भगवान खुद कहते हैं बोले हे नारद जी, ना अहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न, मैं तो किसी वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नहीं तो योगियों का हृदय में नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले मत भक्ता जत्र जहाँ पर मेरे भक्त लोग मेरे कीर्तन करते हैं वहीं पर रहता है, वहीं पर रहता है। अब देख लो दिन भर काम करो दिन भर, लेकिन शाम को 5-10 मिनट केवल बैठ जाओ, पूरा अपना पुत्र परिवार को लेकर बैठो और थोड़ी सी हाथ में ताली बजाते हुए हरि कीर्तन कर लो। आप स्वयं देख लेना दिन भर का जितने परेशानी है, जितना क्लेश है, जितने टेंशन है तुम्हारी, जितने डिप्रेशन है, स्वयं देख लेना। अब 5-10 मिनट कीर्तन कर लो सब दूर हो जाएगा। जैसे अभी खड़े होकर नाच रही थी ना, लेकिन अब तुम्हारे माइंड पूरा फ्री हो गया होगा, एकदम मन में आनंद आ गया होगा, खुशी वाली आ गई। आगे कि नहीं बताओ? जैसे कथा में बैठे हो, अभी दुनियादारी की कोई बात याद है तुम्हारी? कोई बात याद नहीं। इसलिए भगवान खुद कहते हैं मत भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जिस घर में बैठ कर 5-10 मिनट कीर्तन करना, घर की जितने क्लेश है, जितने दुख कष्ट है, सब अपने आप घर से भाग जाएंगे, अपने आप घर से भाग जाएगी। क्यों? मंगल भवन बता कौन कौन करेगा? करोगे? सबके सब बैठी करके घर में परिवार बेटा बेटी नाती पोती जितने सबको बैठा देना, बैठे करके सबके सब ताली बजाते हुए जैसे भगवान का थोड़ी कीर्तन करना, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हरे कृष्ण कोई भी ठाकुर का थोड़ी सी हरी कीर्तन कर लो, बस घर में आनंद आनंद, घर में शांति खुशियाली घर में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते भैया ये पाप कहाँ प्रवेश करता है? पर जिस घर में ठाकुर की कीर्तन पूजा पाठ हुई, बोले यहाँ पर कृष्ण जन्म हुए, पर ये पुतना कैसे आई? बोले ठाकुर की इच्छा, अगर ये पुतना नहीं आती पर कृष्ण कथा होती? रावण नहीं होता रामलीला होता, कंस नहीं होता कृष्ण लीला होता, होता ही नहीं। कहते जितने भी ये दिखते हैं भगवान की ये शत्रु है, दूसरे तरफ में देखोगे ना भगवान की मित्र, भगवान की मित्र है, इनकी वजह से प्रभु की लीला ही हुई है। अभी ठाकुर की इच्छा ये पुतना आ जाए, लेकिन जब पुतना आई वो बड़ी सुंदरी बन करके आई, सज धज करके बड़ी अपूर्व सुंदरी बन करके आई थी। ऐसे लग रहा था मानो भगवान गोकुल में जन्म लेने पर
माँ लक्ष्मी स्वयं वैकुंठ से उतर करके मैया लक्ष्मी स्वयं आ गई। इतनी अच्छी लग रही थी, सारा दुनिया देख देख दंग हो रहे थे। और जहां जाए एक ही चर्चा, बोले नंद के लाला भयो है, नंद की लाला भयो है। अब तो सुन सुन करके उसकी कहानी पक गई। कुछ गोटियां बड़ी सुंदर कीर्तन करते करते नंद भवन में जा रही थी। इतने में पुतना इनके अंदर में प्रवेश कर गई, करके सीधा नंद भवन में चली गई। जब नंद भवन में गई, देखा वहां पर श्री मैया जसोदा लाला को गले में झुला रही थी और गा रही थी, बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मैया मैया इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करना चाहिए। और सीधा कृष्ण को पकड़े, गोद में ले लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे घर में आ जाए, अरे बिना बोले तुम्हारे बच्चे को गोद में ले लेगा? तुम कुछ बोलोगे नहीं। बोले ये मैया जसोदा रोहिणी को तो बोली नहीं, क्यों? बोले वो इतने सुंदरी बन करके आई थी, इनकी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें कुछ बोलने के लिए। बोले कृष्ण जितने सुंदर है, इनकी मैया बनने के लिए लाइन तो यही है, मतलब इतने सुंदरी बन करके वो आई थी, अद्भुत सुंदरी बन करके। जब कृष्ण को उन्होंने गोद में उठा ली, इतने में कृष्ण आंख बंद कर दिए। बोले कृष्ण क्यों आंख बंद किए? बोले हमारे टीकाकारों ने इसका पीछे पांच कारण बताया। कितना कारण बताया? पांच। कितना बताया? मैं आज बोलूंगा, मैं कल आपसे सुनूंगा, जो बोल पाएगा मैं उसको इनाम दूंगा, देखूंगा मेरे को कौन कल बोल पाता है। ध्यान देकर सुनो, सबको एक एक करके पूछूंगा, मैं देखूंगा कौन बोल पाता है, ठीक है? इसलिए इसका पहला कारण बताए, भगवान आए क्यों? इसलिए आए, परित्राण आए साधु नाम बिना सहायक दुष्टि का। भगवान दुष्टों को विनाश करने के लिए और संतों को पावन करने के लिए आए। लेकिन अभी सबसे पहले पुतना आई, भगवान अभी श्री गणेश करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसको मारेंगे। लेकिन ये प्रभु सोच रहे हैं जितने भी भगवान मारेंगे, लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। भगवान ने देखा अभी ये पुतना बड़ी छटपटाएगी, लेकिन हे तो माँ के रूप लेकर के आई, मेरे को तो गोद में ले रही ना, अभी जो छटपटाएगी मैं इसको कैसे देख सकता हूँ? इसलिए भगवान ने क्या किया, हाथ बंद कर दिया। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है, बच्चों का एक स्वभाव होता है, अगर घर का परिवार का कोई व्यक्ति हो ना, उसको सामने तो बच्चा खेलता देता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए बच्चा डर जाता है, जरा गोद में नहीं जाता है, डर जाता है। भगवान ने देखा ये दाढ़ी के कहाँ से आ गई, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इसलिए भगवान ने किया क्या, उन्होंने अपना आँख को बंद कर दिया। इसका तीसरा कारण बताए, बोले तू आई क्यों? बोले बच्चों को मारने के लिए। बोले ब्रज में जितने बच्चे हैं कौन? बोले मेरे सखा सखी राम वसुदाम ललिता विशाखा। बोले मेरे सखा सखियों को मारने के लिए आई हो, इसलिए मैं तेरे मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। इसलिए ठाकुर की आंख बंद कर दी। कितना कारण हो गया भगवान, कितना कारण हो गया? तीन कारण हुआ। लगता है सुन रहे कि नहीं सुन रहे हो? कितना कारण हो गया? तीन कारण हो गया। चौथा कारण बताए, भगवान ने सोचा भैया ये है कौन, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आ बतनाई, लेकिन पूर्व जन्म में इसने ऐसे कौन से पुण्य की मेरे को गोद में ले रही है, मेरे को दूध पिला रही है। इसलिए भगवान आंख बंद करके इसकी पूर्व जन्म को सोच रहे हैं। देखा सचमुच से ये कोई साधारण नहीं, ये पूर्व जन्म में बली महाराज की बेटी रत्नमाला थी।
जब बामन बेन इनके घर में आए, माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है, अगर कोई सुंदर बच्चे को देखे ना, उनकी गोद में लेने की इच्छा करता है। अभी इनकी बेटी की इच्छा हुई, अगर ये मेरे लाला बन करके आता, तीन रात गोद में लेकर प्यार करती। लेकिन जब उन्हें त्रिविक्रम रूप धारण करते हुए बली महाराज का सब कुछ हड़प लिया, नाग खास बंधन में बांध दिया, बोले अगर तुम मेरा बेटा बन करके आओगे ना, तेरे को दूध पिया तेरे को मैं बीज पिलाऊंगा। इसलिए वही रत्न वाला है, ये पुतना बन करके आई। प्रभु बोले कोई बात नहीं, बीस भी काम कर लिया। कितना करना हो गया? चार करना हो गया है, इसलिए आठ बंद किया। बोले पंचमा कारण किया, अभी भगवान के गर्भ में अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड है, लेकिन ये पुतना स्तन में क्या लेकर के आई? तो बोले जहर। अभी भगवान को जहर पिलाने वाले हैं, लेकिन भगवान के गर्भ में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान। अगर भगवान जहर को पान करके क्या होगा, ये विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा, विश्व ब्रह्मांड हाहाकार करने लग गई। बोले प्रभु इसकी स्तन को मत पिया करो, इसकी स्तन में दूध है ही नहीं, इसकी स्तन में तो केवल जहरी जहर है, अगर आप पियोगे ना ये विश्व ब्रह्मांड ध्वंस हो जाएगा। इतने में भगवान आंख बंद करके श्री भोले बाबा को बुलाए, बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आ जाओ। बोले भोले बाबा गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोलो सब ताली बजाते बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय भोले बाबा को स्मरण किया। बोले क्यों? बोले भोले बाबा जल्दी जल्दी आओ। बोले किस लिए? बोले आपका काम बीस पीना और मेरा काम दूध पीना, इसलिए आप तो बीस बीस को पी लो और मैं दूध दूध को मैं पान कर लेता हूँ। इसलिए भगवान ने आंख बंद की। जब भगवान को पुतना ने गोद में लेकर के उनका मुंह में स्तन दी, भगवान ने उसको प्राण को भगवान शोषण किया। जब उन्होंने प्राण को उन्होंने शोषण की, इतने में पुतना ने छटपटा सुर करना कर दिया, कोशिश किया कृष्ण को जैसे छुड़ाए। भगवान ने कहा दे तू स्वयं मेरे को गोद में लेकर स्तनपान कराया, जब मैं एक बार जिसको पकड़ लेता हूँ मैं तो कभी छोड़ना सिखाई, जब तक अपना चरण में नहीं पहुंचा दूंगा फिर तो मैं छोड़ने वाला नहीं। जब पुतना किसी तरह से छुड़ा नहीं सकी, अभी वो सोच रही है किसी तरह से मैं मथुरा चले जाऊं, मेरे भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। जब उड़ करके चलने लगी, बोले पुतना कितने बड़ी थी? बोले त्रिगभ्युति। बोले त्रिगभ्युति कितना? बोले 8 मील लंबाई चौड़ाई थी, इसलिए उन्होंने आकाश में उड़ चली। बोले कहाँ ले चली? बोले कंस का एक सुंदर बगीचा थी जिसमें सुंदर फल फूल से भरा हुआ, लेकिन कंस का निर्देश था यहाँ का कोई भी फल फूल किसी ब्रजवासी और भगवान को नहीं मिलनी चाहिए, और मुझे और मेरे अनुजाइयों को मिलनी चाहिए। हाँ, मैं और मेरे अनुजाइयों को मिलनी चाहिए। कृष्ण ने कहा भैया दुनिया बनाया मैंने, और मेरे को नहीं मिलेगा और मेरे भक्तों को नहीं मिलेगा और जितने दुष्ट लोग खाएंगे। इसलिए पुतना को जोग माया उड़ा करके उसी बगीचा में ले गए, और किसी ब्रजवासी का कोई चीज नुकसान नहीं हुआ, और उन्होंने उसी बगीचा में धड़ाम करके उन्होंने गिराए, इतने जोर से गिराए जितने पेड़ पौधा फल फूल सारे के सारे खत्म हो गए। देखो हरे कृष्ण, देखो यहाँ से आज कितनी सी चीज आप लेकर के जाओ,
हमारे टीकाकार बड़ी सुंदर बात बताते हैं। बोले भैया ब्रजवासियों का कोई चीज खत्म क्यों नष्ट नहीं हुआ, ये कंस का ये बगीचा क्यों खत्म हुआ, इसका कारण बताए। कभी ये दुनिया बनाया किसने? बोले भगवान ने। उपनिषद कहता है ईसा वास्तव इदम सर्वम जत किंचा जगत क्या जगत तेना तेतन भंजिता मां गृत कसना। मतलब है ये दुनिया भगवान का दुनिया, दुनिया भगवान ने बनाया, फिर क्या करनी चाहिए? बोले घर में जो कुछ खाओ सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, सबसे पहले तुलसी पत्ता देकर के ठाकुर जी को भोग लगाओ, भोग लगा करके उसको ग्रहण करो। अगर भोग लगा करके ग्रहण करोगे, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा करके खाता है। आप लोग थोड़ी बहुत संस्कृत समझते हो, कौन कौन संस्कृत समझते हो? देखो ये गीता का श्लोक है, बोले प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते। बोले हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को घर में भोग लगा करके खाना खाएगा उसका घर का सब दुख दूर हो जाएगा। सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते, उसका घर का सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ठाकुर को भोग नहीं लगाओगे, खुद बनाया चटकरी में खा लिया, देखिए कृष्ण कहते हैं बोले भुज्यन्ते तु अघम पापा जे पचन्ति आत्मकारणा। बोले हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाए बगैर खुद खा लेते हैं केवल वो पाप भोजन करते हैं, केवल वो पाप भोजन करते हैं। ये मनु संहिता कहता है स्वान भिष्टा समचर्म, जो चीज ठाकुर को भोग नहीं लगता है कहते कुत्ते का भिष्टा खाना वो रोटी चावल खाना बराबर। और पानी, बोले पानी नहीं वो पेशाब पी रहा है, वो पेशाब पी रहा है, हैं? इसलिए क्या करो भगवान को भोग लगा करके घर में खाना खाया करो। आप लोगों ने सुदामा जी का नाम सुने हो? कौन कौन सुदामा का नाम सुने हो? सब सुने हो आप सब कृष्ण, आप लोगों ने जब टीवी में देखे होंगे जिस समय सुदामा कृष्ण ये जा रहे थे जंगल में, इनको गुरु माता ने सुदामा जी को चाना दिया था। बोले सुदामा ये चाना कृष्ण को दे करके खाइए। आप टीवी में देखे होंगे सुदामा कृष्ण से छुपा छुपा कर खाए, वो छुपा छुपा कर खाए, इसलिए सुदामा को इतने दरिद्रता भोगना पड़ा, इतने दरिद्र उसने बना घर में, खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बोले क्यों? बोले कृष्ण को बिना दिए खाए। फिर धनी का पता, जब उनकी पत्नी को पता चला इनके बचपन का दोस्त कृष्ण है, बोले एक बार जाओ कृष्ण को दर्शन करके आओ, कृष्ण तुम्हारी ये दरिद्रता देखकर कुछ ना कुछ देंगे। बोले देखो भगवान के पास में जा रहा हूँ, खाली हाथों से नहीं जानी चाहिए। उनकी पत्नी दो मुठी चिड़वा मांग कर मिलाई, सुदामा जी दो मुठी चिड़वा लेकर गए। अब तो देखे होंगे ना कृष्ण एक मुठी खाए, कृष्ण दो मुठी खाए, जब तीसरे मुठी खाने जा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं प्रभु आपने दो मुठी खा लिया ना उसको घर में सारे राज और ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप तीसरे मुठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी हूँ मेरे को घर में दासी बनना पड़ेगा, प्रभु और मत खाया करो। और सुदामा जो वापस आया सोने की महल, पत्नी राज रानी बनकर के बैठी हुई, पत्नी को पहचान नहीं पा रहे थे, पत्नी तो आरती लेकर के उतारने के लिए आई। सुदामा ने सोचा भैया ये राजकुमारी मेरे तरफ में क्यों आ रही है? सुदामा जी पीछे हट रहे थे, उनको पत्नी ने बोले पीछे क्यों हट गए? बोले तू है कौन? बोले मैं आपकी वही सुशीला हूँ। बोले ये सब क्या है? बोले ठाकुर जी के लिए चिड़वा लेकर गए थे ना, ठाकुर दो मुठी खाए तो राता रात ये ऐश्वर्य दे दिया। देखो इतनी सी बात कथा सात दिन सुनोगे, कम से कम इतनी सी बात दिमाग में बैठा कर ले जाओ, फिर तो कथा तुम सुनना तुम्हारे साथ से कथा है। इसलिए घर में जो कुछ उठाएंगे क्या करोगे? बोलो जोर से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हम कहते हैं ना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है, घर में भगवान को देकर खाओ कभी कमी नहीं पड़ेगी घर में, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ये चीज को समझो, कहते हम तो भोग लगाते हैं। बोले कैसे? बोले खुद तो प्याज लहसुन डालकर खुद खाते हैं, और ठाकुर जी को थोड़ा चाना नहीं तो ठाकुर जी को थोड़ा बातासा नहीं तो एक गिलास दूध भोग लगा देते हैं। कहते नहीं ठाकुर को तो हमको खिलाते हैं, नहीं ऐसे नहीं खिलाना होता। हमारे गुरु जी कहते थे ये चीज को समझो, गुरु जी कहते थे
तुम्हारे घर में एक नौकर काम करता है, वो नौकर क्या करता है, खूब तो बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खाता है, बढ़िया बढ़िया खाना, लेकिन जो मालिक को वो जैसे तैसे बना करके मालिक को जैसे तैसे बना कर खिला देता है। अगर मालिक को पता चले मेरे जो नौकर ये जैसे तैसे मेरे को खिला देता है और खुद क्या करता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाता है, अगर ये बात मालिक को पता चलेगा तो आप क्या करोगे मालिक बताओ, मेरे तरफ देखो तो अब क्या करोगे। मालिक को अगर पता चलेगा मेरे नौकर बढ़िया बढ़िया खाना बना कर खिलाता है, मेरे को जैसे तैसे खिला देता है, बताओ वो मालिक नौकर को क्या करेगा, जोर से बोलो, मारेगा भगाएगा, घर से निकाल देगा भगा देगा। घर का मालिक कौन है, हम ना ठाकुर जी है, ठाकुर जी है, वो क्या दिख, तुम क्या वो देख नहीं रहे, वो सब कुछ देख रहे, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो तो जैसे तैसे बैठे हुए है, उनको जैसे तैसे तुम खिला देते हो और खुद लहसुन प्याज डाल कर खूब खा रहे हैं, इसलिए घर से लहसुन प्याज घर से निकाल देनी चाहिए। घर में लहसुन प्याज नहीं घुसानी चाहिए, पहले मैंने बताया था ना ये क्यों ये लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए, पुराण में दो कथा है। आप लोग नवरात्रि रखते हो, कौन कौन नवरात्रि रखते हो, सबके सब आप बताओ, 9 दिन तक ये लहसुन प्याज खाते हो, आप लोग खाते क्या लहसुन प्याज को, नहीं बोले तो क्यों नहीं खाते हो, माता की को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो, क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो फिर लहसुन प्याज खाकर नाराज कर दो उनको, इसलिए उनको जो चीज पसंद नहीं हमें भी नहीं पसंद आनी चाहिए, इसलिए पुराण में इसकी दो कथा आई है। कहते कल हम लोग जब कथा श्रवण कर रहे थे, जब समुद्र मंथन से ये अमृत निकली, मोहिनी ने देवता दैत्य को 2 लाइन में बैठा दिया, पहले ये देवताओं को पिला रही थी, ये चंद्र सूर्य को बीच में स्वर भानु नाम के दैत्य उसने धोखे से अमृत पी लिया, चंद्र सूर्य ने इशारा किया बोले प्रभु ये दैत्य है, धोखे से अमृत पिया, भगवान चक्र बुलाए उसका गला काट दिया, जब गला काटे जहां पर वो मांस गिर पड़ा वहीं पर ये प्याज की पौधा हुआ, इसलिए देखना जैसे मांस लाल लाल रंग के ये प्याज भी लाल लाल रंग के, जैसे मांस से बदबू निकलती है, आप कच्चा प्याज खाओ देखना सामने किसी बात नहीं कर सकते मुंह से इतने बदबू निकलेगा, अगर यहाँ प्याज कटेगा ना पता चलेगा भाई यहाँ प्याज कट रहे हैं कहीं, प्याज की छोंक दो, प्याज की छोंक देखना उसका बदबू पूरा पूरा फैल जाती है बदबू, इसलिए ये जो प्याज है इसलिए ये ठाकुर जी को माता देवी को पसंद नहीं है, जहाँ पर हड्डी गिर पड़ा वहां पर लहसुन की पौधा हुई, जहाँ पर खून की बूंद गिर वहीं पर मसूर दाल हुआ, कहते ये एक कथा आती है। दूसरी कथा आती है, पहले ऋषि मुनि लोग अपना आश्रम में गैया पालते थे, गो माता है इसलिए गो माता होने का नाते गैया को मरने नहीं देते थे, इतने मंत्र शक्ति थी, ये यज्ञ करके गैया को बलिदान देते थे, ऋषि जब मंत्र पढ़ते थे यज्ञ कुंड से गैया एकदम जवानी बन करके प्रकट होती थी, एक समय कोई गैया बूढ़ी हो गई, उन्होंने यज्ञ की अनुष्ठान की और गैया को वहां पर बलिदान दिया और सभी के हाथ में मांस दे दिया, सबके सब यज्ञ कुंड में आहुति दे दी, हर तरह के लोग होते हैं, किसने ये मांस देख करके उसके मन में खाने की इच्छा हो गई, बोले सबके सामने हम खाए कैसे, बोले अभी इसको छुपा दो, जब सबके सब चले जाएंगे फिर मैं खा लूंगा, सबके सब आहुति डाले लेकिन इसने डाला ही नहीं, छुपा दिया राखों में, जब ऋषि ने मंत्र पढ़ा गैया जवानी बन करके प्रकट हुई, लेकिन जिस अंग का मांस उसने छुपाया था वहां पर देखा इतना बड़ा घाव बना हुआ, ऋषि ध्यान लगाए भैया ये घाव कैसे बन गया, ध्यान लगाकर उन्होंने सब कुछ देख लिया, किसने मांस खाने का लोभ से छुपाया, फिर ऋषि ने अभिशाप दी, जहां पर ये मांस को गाड़ दिया वहीं पर प्याज की पौधा होगी, जहां पर हड्डी गाड़ दिया वहां पर लहसुन की पौधा होगी, जहां पर खून का बूंद गिरा पड़ा वहीं पर मसूर दाल होगी, इसलिए आप लोगों देखना पहले कोई हिंदू भी ये चीज नहीं खाते थे, आप लोग अपना घर में देख लो, एक पीढ़ी पहले नहीं तो 2 पीढ़ी पहले तुम्हारे घर में देखोगे ना वो चीज नहीं आती होगी, क्योंकि पहले हर हिंदू घर घर में ठाकुर होते थे, आप लोग देखना तुम्हारी माँ को पिताजी को देखना सवेरे उठ करके लड्डू गोपाल का स्नान करना, तिलक लगाना है, तिलक लगाना, उनका स्नान करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, यही करते थे ना घर में सबके सब,
इसलिए कोई भी हिंदू लोग ये चीजें नहीं खाया करते थे। पर ये चीज आई कहाँ से, ये चीज आया कहाँ से, बल्कि ये चीज मोगल लोगों ने लाया है। कौन लाए हैं? मोगल लोगों ने ये चीज लाए हैं। कोई मांस मछली अंडा प्याज लहसुन किसी हिंदू घर में नहीं आती थी। क्यों? हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा, रामायण भागवत हर घर में होती थी। हर घर में ठाकुर को पूजा करके खाया, भोजन करते थे। लेकिन धीरे 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 हम लोगों ने ये सब चीज को खाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। इसलिए ये चीज को घर से निकाल देनी चाहिए। यही चीज निकाल दोगे ना, भगवान की भोग लगेगा। देखना कितना, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। भगवान की भोग लगा कर खाओ, मन अपने आप पवित्र होगा, मन अपने आप शुद्ध होगा। ठीक है, कोशिश करना कम से कम भागवत कथा से एक चीज लेकर के जाओ, जो कुछ खाए ठाकुर जी को भोग लगाए। प्याज लहसुन नहीं खाए, ठीक है? प्याज लहसुन को नहीं खाए। अगर तुम्हारी बच्चे नहीं मानेंगे, बोलो बच्चे नहीं मानते, अगर बच्चे नहीं मानते हैं, कोशिश करना ठाकुर जी के लिए तो बच्चे के लिए अलग दे देना। अगर नहीं मान जाए तो बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन नहीं मानता है उसको अलग बोले कच्चा काट कर दे देना। लेकिन ठाकुर जी के लिए जो घर में खाना बनती है वो ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए। घर में लगेगी फिर माँ लक्ष्मी खुश रहेगी, माँ लक्ष्मी को फिर आशीर्वाद होगा तुम्हारे ऊपर में, फिर तो घर में शांति और घर में सुख बन करके रहेगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा जोर से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सबसे पहले पुतना को मारे। लेकिन भगवान ये पुतना को क्यों मारे सबसे पहले, आप लोग बताओ तो, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? कौन बोलेगा हाथ उठाओ, भगवान राम सबसे पहले किसको मारे थे? कौन सा दैत्य को? कौन बोलेगा हाथ उठाओ? अरे बोलो कोई, रामायण नहीं पढ़ते हो? किसको मारे? तारका को मारे। देखो ये दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं। बोले भगवान कृष्ण पुतना को मारे, बोले पुतना मतलब क्या? बोले पूत माने पवित्र, ना मतलब नहीं। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर मेरे को दिल में बैठना चाहते हो तो पहले ये अपवित्रता को नष्ट करो, हैं? इसलिए तारका को मारे। बोले तारका का मतलब क्या? बोले तारा यति तारका, जो जीव को भगाए। बोले जीव को कौन भगाता है? बोले काम क्रोध लोभ मोह, यही जीव को यही भगाता रहता है। इसलिए
तारका, ये भी तीन अक्षर, उतना ये भी तीन अक्षर, जो तारका भी स्त्री और ये पुतनारी स्त्री है, इसलिए दोनों प्रभु एक ही शिक्षा देते हैं, हृदय में ठाकुर को बैठना तो हृदय से तारका ये पुतना को मारनी चाहिए। अभी एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को थपथप लगा करके सुला रही थी और बड़ी सुंदर उनकी लोरी सुना रही थी। बोले किसकी कथा? बोले भगवान राम की कथा सुना रहे थे। बोले कन्हैया कृष्ण बोले हो। बोले एक दशरथ नाम के एक राजा थे। बोले हो। बोले घर में तो सारे सुख है लेकिन घर में एक चीज की दुख है, घर में कोई संतान संत नहीं, इसलिए दशरथ महाराज बड़े दुखी है। कृष्ण बोले हो। इनका नाम था दशरथ। दशरथ मतलब क्या? जिनकी रथ दस दिशा में, जिनकी रथ दस दिशा में चलता था, इसलिए इनका नाम था दशरथ। वो इतने प्रतापी थे दशरथ महाराज। मियां है इंद्र के सिंहासन में कौन बैठता है? बोले सौ अश्वमेध यज्ञ जो कर गया वही इंद्र आसन में बैठेगा। लेकिन ये दशरथ महाराज इतने प्रतापी है, जब ये जाते थे स्वर्ग में, इंद्र अपना आधा सिंहासन उन्होंने दशरथ महाराज को देते थे और वहां के एक पारिजात पुष्पों की माला दशरथ महाराज के गला में पहनाए करते थे। और जब वो आते थे स्वर्ग से, वो फूलों की माला लेकर के आते थे और अपना पत्नियों को दिखा कर देखो हमने स्वर्ग से ये पारिजात फूल लाए। एक दिन दशरथ महाराज गए स्वर्ग में, इंद्र उनका आधा सिंहासन में बैठाया, गले में पारिजात फूल की माला पहनाए, जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, माला को उतार करके रख लेते हैं। इन्होंने माला को उतार करके रख लिया था, लेकिन जब स्वर्ग से वापस आए थोड़ी दूर याद आया, अरे मैं तो माला भूल गया, अभी जाते ही कौशल्या कैसे ही कोई कई सुमित्रा पूछेगी माला कहाँ है। फिर दशरथ महाराज वापस गए माला लेने के लिए। जब वापस गए देखा जिस सिंहासन में वो बैठे हुए थे वो सिंहासन को पानी से धो रहे थे। दशरथ महाराज पूछा भैया ये सिंहासन को क्यों धो रहे हो? देखो इंद्र ने क्या बताया। बोले आप बुरा मत समझो, आपकी संतान नहीं ना, आप संतानहीन हो, आप ये सिंहासन में बैठे हुए थे इसलिए ये सिंहासन अपवित्र हो गया, इसलिए हम सिंहासन को साफ सुथरा कर रहे हैं। इसको सुन करके दशरथ महाराज को इतना कष्ट हुआ। बोले हे भगवान मेरा नाम दशरथ है, मेरे देश का नाम अयोध्या है जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है, देश का नाम अवध है जहाँ पर कोई मृत्यु नहीं होता है, दस दिशाओं में मेरी रथ चलती है, लेकिन घर में संतानहीन होने का नाते इतना बड़ा दंड, जहाँ पर बैठ गया उस स्थान अपवित्र हो गया और ये स्थान को धो रहे हैं, इतने दुखी हुए। इन्होंने वापस आए, उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को बुलाए, बोले गुरु जी मेरे को संतान चाहिए। तब उन्होंने बोले देखो ऐसे एक ऋषि को द्वारा यज्ञ होनी चाहिए जो आठ तरह का मैथुन होता है, ये आठ तरह का मैथुन से जो ऊपर हो वही व्यक्ति अगर यज्ञ करे, अगर वहां पर उसको खीर बनाया जाए, अगर वो खीर को पत्नी को खिलाओ तो फिर गर्भवती धारण संतान होगा। फिर उन्होंने श्री ऋषिशील को द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाए, यज्ञ से चरु निकला और उसको कौशल्या कहकर सुमित्रा तीनों को उन्होंने बांध करके खिला दिया। जब बांध करके खिलाए उपयुक्त समय होने पर भगवान स्वयं राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न रूप में भगवान चतुर्व्यूह बन करके वासुदेव शंकर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है, ये चतुर्व्यूह ही ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। बोले श्री राम लाला की जय। भय भगवती कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्ष सुनहिं तारी मन हारी
अधिगुति रूप विचार लोचनी आती हर सीता
देवन ने राम लक्ष्मण को दर्शन किया, इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए। वो जो भगवान को ब्रह्म ब्रह्म निराकार निराकार बोल रहे थे ना, वो अपने आप इतनी हृदय से सब कदम खत्म हो गया। फिर ये समझ गए जो राम है ये ब्रह्म नहीं है, ये कौन है राम, ये परम ब्रह्म श्री राम है। वो दशरथ श्री जनक महाराज समझ गए ये जो धनुष को अगर कोई उठा सकता है यही उठा सकता है, यही उठा सकता और कोई नहीं उठा सकता। बोले क्यों? बोले मैया जानकी जो इनके पास में जो धनुष था है, जो धनुष था सी धनुष, 40,000 लोग उसको उठा करके ले जाते थे। वे एक दिन माता सीता कहीं गेंद खेल रही थी, बचपन में गेंद खेलते खेलते वो गेंद कैसे धनुष का नीचे फंस गई और मैया सीता गई और एक हाथ से गेंद को उठा करके उन्होंने ऊपर कर दी और दूसरे हाथ से गेंद को निकाल ली। जनक महाराज बोले वाह रे मेरी लाली के इतने शक्ति, जिसको 400 लोग उठाते हैं वो धनुष को उठा लिया। फिर सोचे भैया इसका पति भी ऐसे होनी चाहिए, इसलिए पता चला मेरे बेटी लक्ष्मी है। अभी लक्ष्मी के पति तो नारायण होगा ना, इसलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की नारायण ही ये धनुष को उठा सकता है और कोई नहीं उठा सकता। जो उठा लेगा धनुष को मैं समझ जाऊंगा ये नारायण है और इसको साथ में मेरी बेटी की शादी होगी। और जब उन्होंने राम को देख लिया ना तो समझ गई ये कौन है, स्वयं श्री नारायण है। बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, हनुमान जी थोड़ी देर बाद में आओ, फिर कोई कथा नहीं सुनेगा। हनुमान जी थोड़ा पीछे चल जाओ, मैं जो बुलाऊंगा ना तब आ जाना, ये तो कोई कथा नहीं सुनेगा, दो मिनट ना। बोले श्री हनुमान की जय, हरे कृष्ण। हाँ इधर कथा सुना, अभी हनुमान जी आने वाले हैं। अभी जब जनक महाराज ने देखा प्रसन्न हो गए और उनको पार्टी का उनको स्थान दिया। श्री विश्वामित्र जी उपयुक्त समय देख करके राम लक्ष्मण को बोले जाओ बच्चों पुष्प चयन करके लाओ, मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ। जब राम लक्ष्मण वाटिका में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही वाटिका इतना प्रसन्न हो गया, इतने प्रसन्न वो फूल चयन नहीं कर रहे थे, फूल स्वयं इनको हाथों में समर्पित हो रहे थे। और कौन सा फूल को ठाकुर जी चयन कर रहे थे? बोले जो खिले हुए फूल थे, लेकिन जो अधखिले कलिया थी वो रो रहे थे। पीछे पीछे लक्ष्मण लाल चल रहे थे। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया तू रो रहे हैं क्यों? बोले रोई भी नहीं क्या हंसेंगे? बोले भैया तू भी हंसना। बोले देखो भगवान राम तो वो खिले हुए फूल के चयन कर रहे हैं, हम तो अधखिले कली, ठाकुर तो हमें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बोले चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना, मैं आपको ठाकुर को सेवा में लगाऊंगा। इतने में लक्ष्मण जी जो अधखिले कलिया को उन्होंने तोड़ना प्रारंभ की, प्रारंभ करके लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज मेरे मन में इच्छा है आपको ये निकुंज में बैठा करके अपना हाथों से आपको श्रृंगार करना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं। लक्ष्मण उन्होंने जो अधखिले कलिया को गुच्छा बना करके प्रभु राम की चोटी में श्रृंगार कर रहे थे। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते देखो ध्यान देख रहे सुनो, जो खिले हुए फूल तो प्रभु का हाथों में, लेकिन अधखिले कलिया कहाँ पर है? ठाकुर जी की चोटी में, ठाकुर जी की चोटी में। यहाँ पर शिक्षा क्या दे रहे हैं? बोले भैया अगर तुम खिले हुए फूल हो ना, मतलब तुम्हारे अंदर में सारे गुण हो, सारे गुण हो, अगर तुम सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे ना तुम खिले के खिले रहोगे, तुम ठाकुर को सेवा में नहीं लग सकते हो। लेकिन अगर तुम अधखिले कलिया क्यों नहीं हो? लक्ष्मण कौन? बोले ये गुरु जी है। अगर गुरु जी के शरण में चले जाओगे फिर गुरु जी क्या करेंगे तुम्हें? तुम्हें ठाकुर जी की सेवा में तुम्हें लगा देंगे हैं। इसलिए इतने में वहां पर श्री माता जानकी भी
गौ की पूजा करने के लिए आई हुई थी। इतने में भगवान राम और सीता जी की उसी वाटिका में साक्षात्कार हुई। दोनों को पहचान गए, ये मेरे शक्ति, ये मेरे शक्तिमान हैं। इतने में जब उन्होंने जनक महाराज की दरबार में पधारे, बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे और जनक महाराज ने वहां पर अपना प्रतिज्ञा को सुनाया, ये धनुष को उठा करके इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसको साथ में मेरी बेटी जानकी की शादी होगी। बड़े बड़े पहलवान आए थे, बड़े बड़े राजा लोग आए हुए थे। कहते भैया वहां पर रावण भी आया हुआ, रावण ने बड़ी उन्होंने ताकत लगाई, कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना हाथ अब तो उन्होंने धनुष को नीचे उन्होंने फंसाया। धनुष इतना बड़ा था, वो धनुष ऐसे दब गया, वो हाथ को निकाल नहीं पाया उसने, अपना हाथ को उसने निकाल नहीं पाया अपना हाथ को। बड़े कष्ट से उन्होंने हाथ को किसी तरह से निकाले। इतने में जब कोई कष्ट से मस नहीं कर सके, लेकिन वहां पर श्री जनक महाराज बैठे हुए थे, देख रहे थे, भैया धनुष तो केवल एक व्यक्ति धनुष को उठा सकता है। बोले कौन? बोले राम। लेकिन जब उठा सकता हो तो चुपचाप बैठा हुआ, लेकिन जो उठा नहीं सकते हैं वही लोग सबके सब कोशिश कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर से गोस्वामी की बड़ी अच्छी बात बताते हैं। जनक महाराज सोच रहे हैं, बोले भैया झंडा कहाँ रहता है? बोले झंडा डंडे के ऊपर में झंडा रहता है। बोले ये डंडा स्वरूप कौन है? बोले श्री लक्ष्मण। बोले ये झंडा स्वरूप कौन है? बोले राम। बोले डंडा उठे तो फिर झंडा उठेगा? लक्ष्मण को उठे मगर राम उठने वाले नहीं, पहले लक्ष्मण को उठाओ। इतने में जनक महाराज जी बीच में खड़े होकर के थोड़ी सी उन्होंने कड़क बात सुना दिए। बोले लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है। जिस धनुष को मेरी बेटी जानकी बचपन में एक हाथ से उठा लेती थी और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा लोग बैठे हुए, कोई टस से मस भी नहीं कर पाते, लगता है ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया। इतना जब बोले, ये लक्ष्मण कौन है? बोले स्वयं अनंत नाग, ये एक मणिधर सर्प होते हैं जिनके सर पर ये मणि रहता है। अगर मणि को कोई छेड़ देना पर ये सर्प नहीं छोड़ता है। तब ये मणि सदृश कौन? बोले भगवान राम। और लक्ष्मण कौन? ये अनंत देव। लक्ष्मण कौन है? ये अनंत देव है। अगर राम को ऊपर कोई अगर छेड़ दिया ना, अब रामायण देखे होंगे, अगर राम को थोड़ी सी कोई बात बोले लक्ष्मण कभी सह नहीं सकते थे। इतने में लक्ष्मण को इतना क्रोध आ गया, लक्ष्मण भरी सभा में खड़ी होकर के बोले जनक महाराज चुप बैठो, इतने बड़ी बात ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हुए हैं? मेरे प्रभु राम बैठे हुए हैं। ये सड़े गले के धनुष किया बात करते हो, ये विश्व ब्रह्मांड को कच्चा खेत गाती मैं उठा करके चकना चुरू कर सकता हूँ। जब इतनी सी बात बोले ना राम, बोले लक्ष्मण चुप बैठो, यहाँ पर गुरु जी बैठे हुए दिख नहीं रहे, मेरे को पता है तुम कौन हो, ये साक्षात धरणी धर है, मेरे को पता है विश्व ब्रह्मांड को जो सर के ऊपर में एक सरीसो को घाती जो धारण करके रहती, मेरे को पता तू धरणी धर है, अगर ये धनुष को तू उठाओगे मेरे क्या होगा बताओ? क्योंकि जो उठाएगा प्रत्यंचा चढ़ेगा उसको साथ में जाने की शादी होगी, अगर तू उठा लिया तो मेरा क्या होगा? चुप बैठ गया। इतने में श्री विश्वामित्र जी बोले बेटा राम, ये जनक महाराज के हृदय में जो ताप इसको तुम दूर कर, जाओ ये धनुष को उठाओ। गुरु जी के आदेश को पा करके भगवान राम धीरे 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 भगवान राम चल रहे हैं। सामने धनुष रखा हुआ और उधर माता जानकी खड़ी हुई वरमाला लेकर के। जिस समय श्री भगवान राम धीरे 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 चल रहे थे, इतने में माता जानकी तो बड़ी दुखी में पड़ गई। बोले क्यों? बोले ये राम क्या धनुष को उठा पाएंगे? अगर ये धनुष को उठा नहीं पाएंगे तो मेरी क्या होगी? बोले जानकी की क्यों शंका हो गई? बोले भगवान राम जब सवेरे पुष्प चयन करने गए थे, वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, प्रभु फूल चयन नहीं कर रहे थे पुष्प इनके हाथ में,
यहाँ पर कोई ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जहाँ पर बोल सकता है यहाँ पर भैया कथा चल रही है, कम से कम कथा का समय तो लाइक गया आया, ये क्या मतलब होता है। यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जहाँ तक कोई बोल सके, जहाँ से लाइट सप्लाई होता है, कम से कम बोल सके भैया, कम से कम कथा अरे दो तीन घंटा कम से कम उसका लाइट को रखो। कौन बोल सकता है यहाँ पर, कौन है कोई व्यक्ति है कि नहीं यहाँ पर, ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है नहीं कोई, यहाँ पर ऐसे व्यक्ति कौन है जाकर के बोल सकता है भैया दो ढाई घंटा कम से कम तो लाइट को रखा करो, कथा हो रही है। देखो हमारे मुसलमान भाइयों का कोई तिथि होता है ना, वो जैसे बोलते हैं वो सरकार वैसे करता है, वो सारे चीज को ठीक करता है। जब हम हिंदू लोग होकर के इतना नहीं कर सकते, देखता हूँ कौन कर सकता है कल काम। ठीक है, बात कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री पवन सुत हनुमान की जय। इतने में मैया जानकी बड़ी चिंता में पड़ी हुई थी, बोले क्यों, बोले सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, भगवान पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं समर्पित हो रही थी। लेकिन उसी समय में भी मैंने देखा भगवान इतने कोमल है, जिनके शरीर से पसीना बह रहा था, इतने कोमल है और इतने बड़ा धनुष जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं। भैया ये राम क्या इतने बड़े धनुष को उठा पाएंगे, अगर ये धनुष को नहीं उठा पाएंगे तो बढ़िया मेरी क्या होगी। इसलिए माता जानकी तो प्राण त्याग करने जा रही थी, भगवान राम ने जानकी के मन की भावना को समझ गए, बोले का बरसा जब कृषि सूखा, भैया ये बरसा तक क्या कीमत है जब कृषि सूखा जाए सूख जाए, मैं इसलिए धनुष को उठाना चाहता हूँ सीता जी से शादी करने के लिए। अगर ये धनुष उठाने से पहले अगर सीता प्राण छोड़ दी फिर धनुष उठाने का मतलब क्या रह जाएगा। इन्होंने जानक की भावना को समझते हुए राम जल्दी जल्दी आगे चले और जल्दी जल्दी आकर के पता नहीं कब धनुष को पकड़े और कब धनुष को उठाए, कब प्रत्यंचा चढ़ाए, कब ये धनुष दो टुकड़ा हो गया इसको पता नहीं चला। जब उन्होंने धनुष का दो टुकड़ा हो गया, जनक महाराज इतने प्रसन्न हुए, बोले सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आ, अभी मैया सीता वरमाला लेकर के आ रही है। जब माला लेकर के आ रही थी अभी प्रभु राम की गले में पहनाएगी, लेकिन माता सीता कितने बड़ी थी, बोले भगवान राम की कंधे तक, भैया ले आओ सीता राम को ले आओ, हरे कृष्ण सीता राम को ले आओ सीता। ये लाइट चल रहा है, इसे हटा दू, भैया ले आओ राम लक्ष्मण सीता को ले आओ, फटाफट ले आओ, यहीं पर उनको फटो जाना, जल्दी ले आओ उनको। बोले रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता राम, जय रघुपति राम सीता राम, जय रघुपति राघव राजा राम,
सती पावन सीता जय रघुपति राघव राजा जय रघुपति राघव पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित 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 पावन सीताराम हरे कृष्ण प्रभु जी इनके हाथ में तो माला दे दो मैं जब बताऊंगा माला पहना है उस समय माला जानकी राम की गला में जैसे माला पहना है कहीं बड़ा माला दे दो थोड़ा गैप दो साइड में और बैठ जाओ सब बैठ जाओ ग्रुप में अरे बैठो आप सब के सब बैठिए आप भैया कोई खड़े मत होना सबके सब बैठ जाओ अभी ठाकुर जी की शादी हुई सब बच्चे के बच्चों को बैठा दो बच्चे खड़े बच्चों को बैठा दो बैठो 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 हनुमान जी हनुमान जी अभी कोई चीज मत भेजा करो सबके सब बैठ जाओ बच्चे लोग बैठ जाओ प्रभु जी हरे कृष्ण में जो बताऊंगा ना माला पहनना चाहिए तो माला पहनना चाहिए मैं बोलूंगा लक्ष्मण भी चरण में गिरेगा सब आप तक मेरी कथा का असर होता है मेरी कथा वो खटे लेने वाले भैया पीछे हो जाओ हरे कृष्ण कथा सुना बोले शिष्या मेरे रामचंद्र की जय अभी मैया जानकी बरमला लेकर के आई भगवान राम को पहनाने के लेकिन मैया जाने की कितने बड़ी बोले भगवान भैया नीचे हो जाओ भाई नीचे बैठो फिर भगवान राम मुकुट पहने हुए नीचे हो जाओ भाई मेरी कथा सुनकर जैसे कथा बोलता हूँ जैसे भगवान इसलिए माता जानकी जब माला को पहनाने के लिए गई इतने में भगवान राम की सर तक पहुंचा नहीं मैया जानकी छोटी थी कंधे तक मैया जानकी माला लेकर खड़ी हुई इतने में सीता को साथ में जो उनकी सखियां थी सही लिया इतने में राम के कान में धीरे धीरे कहते बोले राम थोड़ी से सर झुका दो ना राम बोले क्या अभी शादी भी नहीं भई अब बोले सर झुका दो बोले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई भरूच बचन न जाए हम श्री महाराज दशरथ के हम बेटे हैं हमारे वंश में किसी ने कभी किसी के चरण में सर नहीं झुकाया अभी हम शादी भी नहीं हुई बोले सर झुका दो इतने में भगवान राम लक्ष्मण को कहते बोले लक्ष्मण देख तेरे भाभी माला लेकर खड़ी हुई पहनाने के लिए लेकिन हाथ नहीं पहुंच रहा है मैं तो सर नीचा कर नहीं सकता लेकिन तू कुछ कर ले लक्ष्मण कहता है प्रभु ये पृथ्वी यद्यपि मैं पृथ्वी स्वरूप हूँ लेकिन ये पृथ्वी तो दो है ही नहीं पृथ्वी तो एक है अगर ये पृथ्वी को मैं ऊंचा करता हूँ दोनों ऊंचे हो जाएंगे अगर पृथ्वी को नीचा करता हूँ दोनों नीचे हो जाएंगे फिर मैं क्या करूँ इतने में जो सखियां थी ना लक्ष्मण को कानों में धीरे धीरे बोले लक्ष्मण अगर तुम मेरे काम हमारे काम करोगे ना तुम्हारे काम हम कर लेंगे लक्ष्मण बोले बताओ क्या काम है बोले देख ये सीता जितनी सुंदरी है इसकी एक छोटी बहन भी कम सुंदर नहीं ऐसी सुंदरी अगर तू हमारी काम कर तेरे काम भी कर देंगे और उसको शादी करा देंगे अभी जब शादी की बात आ गई लक्ष्मण का मुंह में तो पानी आ गई बोले भैया फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि शादी की बात है अभी उन्होंने भगवान राम की इच्छा समस्त करके इतने में लक्ष्मण जी उन्होंने क्या किया राम की चरण में गिर पड़े राम का चरण का स्पर्श किए अभी जो चरण स्पर्श करेगा उसको तो उठाना पड़ेगा जब भगवान राम हमको उठाने के लिए गए इतने में माता जानकी गला में माला डाल दी श्रीवर राम चंद्र की श्री लक्ष्मण लाल की श्री हनुमत लाल की अभी इतने में हरे कृष्ण इतने में
अभी जो माला बनाओ इतने में सखियों ने तो लक्ष्मण को बोले क्यों लक्ष्मण जी तेरे प्रभु का हार करना ही पड़ा, मतलब तेरे प्रभु को हार मानना ही पड़ा, लास्ट में सर झुकाना ही पड़ा। लक्ष्मण बोले भैया तुम लोग हार कहते हो, हम हार नहीं कहते हैं, हम तो बरमाला कहते हैं। मेरे प्रभु ने बरमाला पहने, उन्होंने धनुष को तोड़े और उन्होंने बरमाला पहने। इतने में उनकी है कहते उनकी राम बराती 6 महीना तक रुकी कहाँ पर, कहते जनकपुरी में। पहले श्री जनक महाराज सोच रहे थे शायद राम लक्ष्मण ये 2 भाई हैं, लेकिन जब बरात आई ना पता चला ये 2 भाई नहीं ये 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और इनको पास में 4 बेटी थी। 4 बेटी कौन है? सीता, उर्मिला, सुतकीर्ति और मांडवी। ये जो 4 बहनें साक्षात ये माँ लक्ष्मी स्वरूप है। और ये 4 भाई ये साक्षात श्री नारायण सब। अब लोग बैठ जाओ प्रभु, बैठ जाओ प्रभु। इसलिए ये 4 जो भाई ये साक्षात नारायण स्वरूप है, ये नारायण स्वरूप ये 4 भाई। देखा भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। इतने में ये बात को श्री जनक महाराज, श्री दशरथ महाराज और श्री वशिष्ठ को पास में रखे, बोले अगर आपकी इच्छा हो हमारे पास में 4 बेटी हैं, 1 से 1 सुंदरी, अगर आपकी इच्छा हो हम चाहते हैं 4 बेटी आपको दान कर दें। दशरथ महाराज बोले भैया 4 बच्चे तो शादी के लायक हो गए, इनके लिए तो बहुत ढूंढना पड़ेगा। और श्री जनक महाराज जैसे ब्रह्म ज्ञानी और इतने अच्छे परिवार में संबंध कहाँ मिलेगी, बोले ठीक है। फिर 4 भाइयों की 1 साथ में शादी हो गई। जब शादी हो गई, देखो पहले क्या नियम था आप लोगों को पता होगा, जब शादी होती थी ये लड़की लड़का को देखने नहीं जाता था और ये लड़का भी लड़की देखने नहीं जाता था। आप लोग गए थे पति को देखने के लिए? कोई नहीं गए थे। परिवार वालों ने जहाँ पर उन्होंने शादी करवा दिया वहीं पर शादी आंख बंद करके शादी कर लेते थे, अपना जाति गोत्र अनुरूप। इसलिए ये शादी टिक जाती थी। लेकिन अभी ऐसे नहीं, पता नहीं फोटो देख करके नहीं, गोरी काली नहीं, हमें तो इसमें गोरी नहीं बना दी तो फोटो में कितने इंची, कितने बड़ी, कितने लिखाई पढ़ाई पता ही नहीं, पता क्या क्या देख करके शादी करते, तब भी ये शादी नहीं टिकती, तभी भी ये शादी नहीं टिकती है। लेकिन पहले क्या करते थे, जहाँ पर शादी करा दिया वहीं पर पिता माता की इच्छा के अनुरूप शादी कर लेते थे और आनंद से जीवन बीत गया, कोई कलह नहीं। थोड़ी होती थी लेकिन खैर कंप्रोमाइज, अभी ऐसे नहीं, थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए ना तो तू भी जा मैं भी जा रहा, जैसे हम कपड़ा बदलाते हैं अभी ऐसे डाइवोर्स ऐसे हो रहा। अभी कोई तो किसको देखे ही नहीं, अभी कौन किसका पत्नी कौन किसका पति देखे ही नहीं। 4 दिन के बाद में इनकी मिलन होती थी। इतने में जो सखियां थी सीता की, इन्होंने 4 बहुओं को बड़े सुंदर श्रृंगार करके दुल्हनी बना करके घूंघट उतार करके ले आई 4 भाइयों के पास में। बोले देखो राम तुम 4 भाई हो और ये तुम्हारी 4 बहुएं हैं, अपना छांट लो कौन किसकी बहू है अपना छांट लो। बोले राम सावधान, छोटे भाई का जो पत्नी ये बेटी के बराबर है, अगर अपना पत्नी को नहीं चुन करके छोटे भाई को पत्नी को अगर पत्नी बोल दिया ना, मानो अपना बेटी को ही क्या बनाना, अपना बेटी को ही अपने पत्नी बनाया। तीनों भाई को बोले सावधान, बड़े भाई का पत्नी माँ की बराबर है, अगर अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके अगर बड़े भाई का पत्नी को पत्नी बोल दिया, अपना माँ को ही पत्नी बनाना, इसलिए सावधान अपना पत्नी को अपना ठीक ठीक से अपना पत्नी को चुन लो। जब ये बात उन्होंने बताए अभी तो 4 भाइया तुम डर गए, अभी तक तो हमने देखा नहीं पत्नी को, कौन उर्मिला कौन सुतकीर्ति कौन मांडवी उनको पता ही नहीं कौन क्या है, हम तो पता ही नहीं। इतने में उन्होंने राम ने बहुत सोच सोच करके बोले देखो ये मेरी पत्नी। भरत को बोले तुम्हारी पत्नी कौन, बोले ये मेरी पत्नी है। शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी पत्नी कौन, बोले ये मेरी पत्नी है। हैं? ये चारों ने एकदम सही सही अपना पत्नी को उन्होंने चुन लिया। इनकी सालियां तो आश्चर्य में पड़ी गई, बोले भैया अभी तक तो कोई देखे नहीं पता कैसे चला। इतने में राम को बोले राम ये बताओ तुमने कैसे पहचान लिया ये तुम्हारी पत्नी। बोले देखो मैंने सीता को मैंने 2 बार देखा है, जब पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गई थी तभी मैंने देखा,
और गले में जब उसने माला पहनाया तभी मैंने देखा, इसलिए दो बार मैंने सीता को देखा, इसलिए मैं अपना सीता को पहचान गया। ठीक है, बोले भारत जी को पूछे, बोले ये बताओ तुमको कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी? बोले देखो जब मैं कोई काम करता हूँ प्रभु राम की चरण की चिंतन करते हुए काम करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। बोले ये बात? बोले हाँ। इतने में शत्रुघ्न को पूछा, बोले भैया तेरे को कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी? बोले देखो चार भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना ये मेरी होगी, और सबसे जो छोटी थी मैंने बोल दिया भैया ये मेरी पत्नी। बोले ये बात? बोले हाँ। बोले लक्ष्मण को बोले तुमको कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी? बोले भैया तीनों ने जब तीनों को छांट लिया जो बच गई वो मेरी पत्नी, वो मेरी पत्नी। वहां पर बड़ी हंसी की लगी हुई और छह महीना तक बराती रही। फिर ये वापस आते हैं कहाँ पर सी? अयोध्या में वापस आते हैं। और श्री कैकेयी ने पहले जो मुंह दिखाई थे सीता इतने सुंदरी, जब पहला बार उन्होंने घूंघट उठाए देखा मानो दीन में कोई चंद्रमा प्रकट हो गई, इतने माता जानकी इतने सुंदर थी, केवल मुंह दिखाई में उनको कर्ण भर उनको कर्ण भवन उनको दे दिया इतनी। इसलिए चार भाइयों ने बड़े आनंद पूर्वक रहे। कथा बड़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए मैया दशदा कन्या को बचपन में भगवान की राम की सुंदर सुंदर कथा बचपन में कृष्ण को सुनाया करती थी। प्रभु जी के सुंदर भजन गाएंगे, बढ़िया कोई शादी बढ़िया होगी। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। प्रभु जी बोल रहे हैं जैसे शादी में अगर कोई कुछ देना चाहे तो आकर के भगवान सीताराम को कन्यादान में कुछ दे सकते हैं, जिसकी इच्छा जो इच्छा। राम की शादी है मेरी, भगवान की शादी है, राम की शादी है मेरे, भगवान की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, राम की शादी है मेरे, भगवान की शादी है, राम की शादी है भगवान की शादी है। आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। बड़ी एक सिया खुशी तुम्हारी छाई, बड़ी एक सिया बड़ी एक सिया खुशी तुम्हारी छाई, मर से देखे संत राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, राम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, राम की शादी है भगवान की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है। सज कर आई दान करना तो आई, सज कर आई दान करना तो आई, सभी मन में हर जाते हैं।
आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, हो राम की शादी है, राम की शादी है, हाँ राम की शादी है, राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज सिया राम की शादी है, आज देखिए जो कन्यादान करने वाले हैं वो थोड़ी शीघ्रता करेंगे, जल्दी जल्दी आते जाएंगे। आज हनुमान जी कितनी खुश हो रहे हैं, छम छम करके राम जी के दरबार में नाच रहे हैं। ओ छम छम नाचे देखो वीर हनुमान, 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 कहते हैं रानी से कहते हैं रानी से राम का दीवाना, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमान, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
श्रीधर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भवन सुत हनुमान की जय। भवन मैगनी जय जय श्री जय देव महाराज। देखिए अभी कुछ जो है हम सदस्यों को बुलाएंगे ऊपर जो है आशीर्वाद के लिए गुरु जी का, जिनके नाम बोलते रहे वो ऊपर आते रहे जो है। श्री दीपक गोस्वामी अगर यहाँ पे हो तो वो ऊपर आओ। दीपक गोस्वामी, विमला देवी, विमला देवी अजय की मम्मी, इसने लता त्यागी मदन त्यागी के घर से ऊपर आए और आशीर्वाद लें गुरु जी का। गंजाम गुप्ता जी के घर से अनिता चौधरी मधुबन वाली बहन जी, रेखा अदामा हमारी सभासद, राम अवतार सिंह खरकोटे से, अजय कुमार बाना, अनिता चौधरी वैभव सोनू, राधा त्यागी टैगर के सामने से, बनाना वीडियो थोड़ी सी लाइव करना है गुरु जी को दिखाना, जूम कर लेना। हट जा छोटू, टुडे लाइव चल रही है वो। अंकल जी उधर उधर खाया करें, अंकल जी बिल गया तुझे, मेरा हाथ लगा तुझे बिल का। Thank you.
हरि बोल भले सिद्धिराज महाराज की भले सियावर रामचंद्र की जय भले पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम एक बार हाथ सबके सब बैठ जाओ भैया सबके सब बैठ जाओ और राधा राम के पिता माता को एक बार हाथ उठा के बोलो कितने बच्चे हैं ना ये बच्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा हट जाओ जो तीन व्यक्ति है बैठो बैठो नीचे बैठो नीचे और हाथ है नीचे बैठो नीचे ये बच्चों को कोई संभालने वाले हो दो चार व्यक्ति कुछ नीचे को कर दो तिवारी जी बैंक वाले महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आ जाएं तिवारी जी बैंक वाले ब्लेस्ड वृंदावन बिहारी लाल की जय ब्लेस्ड सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री बहुत बढ़िया आज का जो तिथि का नाम है एकादशी तिथि कौन सा तिथि है आज श्री एकादशी तिथि आज ही है इसलिए कल मैंने एकादशी की बड़ी सुंदर सुंदर मैंने कथा सुनाई थी आज कैसे व्रत आज रखे हो क्योंकि भागवत में केवल ये एकादशी सारे व्रत का ये नाम ये भागवत में है ही नहीं जितने व्रत है ध्यान देकर सुनो जितने व्रत है ये व्यास देवज नहीं सारे व्रत का नाम लिखे हैं लेकिन इन्होंने सारे ग्रंथ रचना करते हुए भी इनको शांति नहीं मिली लेकिन इनको शांति कब मिली जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ लिखे इसलिए ये भागवत ग्रंथ में केवल एकादशी ही व्रत की कथा आती है और कोई व्रत का नाम नहीं आती है क्योंकि जो एकादशी व्रत है एकादशी व्रत को बताए ये माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी ये व्रत का नाम कहती है माधव तिथि मतलब जैसे हर व्रत का एक एक इष्ट देव होते हैं लेकिन एकादशी व्रत का इष्ट देव कौन है स्वयं बांके बिहारी स्वयं बांके बिहारी जगत में 33 करोड़ देवता है बताओ अगर दिन में एक एक करोड़ देवता की पूजा करो ना 32 दिन में कितना होगा 30 करोड़ फिर 3 करोड़ बाकी रह जाएगा नहीं एक को मनाओ दूसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा दूसरा को मुंह फुलाओ तीसरा मुंह फुला कर बैठ जाएगा लेकिन ये बांके बिहारी ऐसे के ठाकुर है भगवान कृष्ण ऐसे के ठाकुर है कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे बताओ करे सब कोई जब भगवान बांके बिहारी जी की किसके ऊपर कृपा हो जाती है सबकी कृपा उसके ऊपर हो जाती है बोले क्यों क्योंकि भगवान को अंदर में ये अनंत करोड़ देवादेव भगवान के अंदर में विद्यमान है इसलिए एकादशी व्रत भगवान बांके बिहारी की व्रत जब ये बांके बिहारी संतुष्ट हो जाते हैं 33 करोड़ देवता अपने आप ये संतुष्ट हो जाते हैं अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं इसलिए ये एकादशी को बताया ये कल्पतरु व्रत कल्पतरु व्रत मतलब है ये 15 दिन में एक बार ये एकादशी आती है हर एकादशी का नाम अलग अलग है आज जो एकादशी इसका नाम कौन सा एकादशी बताओ
बोले जोर से इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। आज का जो एकादशी व्रत रखेंगे इसके ऊपर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। एक एकादशी का नाम है पुत्रदान। हम पहले सुन रहे थे ना, नंद बाबा का घर में पुत्र नहीं था, इन्होंने पहले सारे व्रत रख चुके थे, लेकिन जब इन्होंने पुत्रदान मतलब जो पुत्र को प्रदान करता है, जिनके घर में संतान संतति नहीं है, पुत्र नहीं है, ये एकादशी करो जिसको करने से घर में पुत्र जन्म लेते हैं, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी। एक एकादशी का नाम विजया। विजया मतलब होता है अगर ये एकादशी व्रत रखोगे, जैसे तुम्हारी कहीं कोर्ट कचहरी मामला मुकदमा चल रही है, कहीं तुम फेल हो रहे हो, लेकिन ये एकादशी व्रत रखेगा ना वो विजय होगा। किसी काम में तुम करोगे यदि तुमको विजय प्राप्त, इसलिए उसका नाम विजय एकादशी। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा। जो एकादशी व्रत करने पर संसार से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, जन्म मृत्यु से तुमको मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम अर्णदा। अर्णदा मतलब जिनके घर में दुख दारिद्र रहे, घर में खाने पीने का सही नहीं मिलता है, जो एकादशी करने से घर में खूब अन्न से आई, इसलिए उसका नाम अर्णदा। आपके घर में अगर एकादशी कथा की व्रत हो, स्वयं पाठ कर देख लेना, हर एकादशी का अलग अलग नाम। कोई व्यक्ति किसी राजा का राज्य खो गया था, लेकिन वो एकादशी क्या था, फिर राज्य वापस आ गया। किसके घर में बड़े दुख कष्ट चल रहा था, किसी तरह से दुख कष्ट दूर नहीं हो रहा था, वो एकादशी व्रत किया तो घर का सारे दुख कष्ट दूर हो गई। आप स्वयं पढ़ पढ़ करके एक पढ़ना, मेरे को बताना एकादशी क्या क्या फल है। हर एकादशी की अलग 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 फल है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी। देखो ये कथा को सुन लो, क्या नाम है, पाप मोचनी। जिसकी पूर्व पूर्व जन्म में पाप है, जीवन में कष्ट क्यों आता है, हमने पूर्व जन्म में पाप कर्म किया है, इसलिए इसी जीवन में ये पाप भोगना पड़ता है। लेकिन एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जो एकादशी करने से तुम्हारी पाप नष्ट हो जाएगी। ये कथा को आप लोग ध्यान देकर सुनो, ये पाप मोचनी एकादशी का क्या महिमा है। बोले एक समय स्वर्ग में जहां पर इंद्र चंद्र सारे देवता लोग बैठे हुए थे, तो गंधर्व और गंधर्विणी उनको सामने नृत्य विद्या कर रहे थे, लेकिन अभी उनकी नई नई प्रेम थी। हमको पता होगा नई प्रेम में कितने आसक्ति होते हैं, एक दूसरे को में बड़ी आसक्ति थी, लेकिन जब उनको सामने ये नृत्य विद्या दिखा रहे थे, वो इतने आसक्ति थे, वो दोनों को पागल होकर दोनों दोनों को देख रहे थे, तो भूल गए वो आए यहाँ पर नृत्य विद्या दिखाने के लिए। लेकिन सारे देवता लोग बैठे हुए, इतने में इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले दुष्ट यहाँ पर तुमने नृत्य विद्या दिखाने के लिए आए हो और तुम इतने पागल हो, तो अपना पत्नी का प्रति वो पागल होकर देख रहे हो, भूल गया ये नृत्य विद्या दिखाना। इंद्र ने इनका अभिशाप दिया, बोले जाओ मर्त्य जगत में पिशाच जन्म को प्राप्त करो। तब उन्होंने इंद्र की अभिशाप से ये मर्त्य जगत में दोनों पति पत्नी पिशाच जन्म में आए। ये जो पिशाच होते हैं इनको कोई खाना पीना नहीं खा सकते हैं, किसी लोग ऊपर सवार होकर इसका खून को चूसते हैं, अगर ये खून नहीं पिएगा तो जी नहीं सकते हैं। और रात को तो छटपट छटपट करते हैं खून पीने के लिए, खून पिएंगे जाकर के इनकी पाप नष्ट होगा। जब बड़े दिनों तक उन्होंने ये कष्ट भोग किए, एक दिन ये दोनों सोच रहे हैं क्या हम जिंदगी भर ये दुख कष्ट भोग करते रहेंगे, क्या हमें ये पिशाच जन्म से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन उन्होंने कहीं सुना एक एकादशी है जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी। जो एकादशी करने से जीव जन्म मृत्यु का चक्र से और पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन पहले पहले जो एकादशी होती थी पूरा निर्जला रखते थे, कोई कुछ खाते नहीं थे, निर्जला रखते थे। बोले भैया रात में तो जब तक हम खून पिएंगे हम तो रह नहीं सकते, वो छटपट छटपट करते हैं। बोले नहीं, हम कोशिश करेंगे एक दिन कष्ट करके ये व्रत को रखने के लिए। इन्होंने बड़े कष्ट सहन करते हुए उन्होंने ये पाप मोचनी एकादशी को उन्होंने पालन किया। जब उन्होंने पालन की दूसरे दिन उन्होंने सारे पाप से मुक्त होकर के फिर गंधर्व और गंधर्वणी बने और स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए इंद्र ने देख करके बोले मैंने तुमको अभिशाप दिया था, किसका इतना हिम्मत है वो अभिशाप से मुक्त कर सकता है, तुमने क्या कर्म किया जो कि पुनः तुम गंधर्व गंधर्वी बनकर के स्वर्ग में आए। तो उन्होंने बोले हमने दोनों एकादशी ये पाप मोचनी हमने ये एकादशी व्रत रखा।
इसलिए हमें सारे पाप से मुक्त होकर के फिर स्वर्ग लोक में आए। मतलब है जो पाप को कभी कोई खंडन नहीं कर सकता है, अगर ये एकादशी व्रत करोगे तो सारे पाप से तो मुक्त हो जाओगे। देखना इसी जगत में कोई व्यक्ति साल साल से बिस्तर में पड़े हुए हैं, वृद्ध हो गए, उसमें टाटी पेशाब कर रहा है, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रहा है, बड़ा कष्ट भोग कर रहा है। आप किसी ब्राह्मण को घर में बुलाओ, इनको पूछो भैया इसे कौन सा कर्म करे ये जल्दी से जल्दी इनको मुक्ति हो जाए। देखना कौन सा व्रत बताएगा, कौन सा व्रत बताएगा। बोले कोई व्यक्ति हो जो एकादशी व्रत करके इसका फल इनको दे सकते हो। कोई बार व्रत का व्रत नहीं बताएगा, बोले एकादशी व्रत करके कोई फल दे सकते। देखो मैं अपना अनुभूति की बात बताता हूँ। मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, यूरोप गया था। एक व्यक्ति 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती था, शरीर में केवल हड्डी हड्डी और कुछ है नहीं। 2 साल से बिस्तरा में काटी पेशाब कर रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा था, इतना दुख भोग कर रहा था। जब उनको पता चला इंडिया से कोई साधु आए तो उन्होंने आकर के हमें वो हॉस्पिटल में लेकर गए। उनको पूरा परिवार साथ में थे। बोले बाबा हमारे पिताजी 2 साल से हॉस्पिटल में भर्ती हुए, इतने कष्ट पा रहे हैं, इतने कष्ट पा रहे हैं, पैसा तो पानी जैसे बह रहा है, लेकिन इनके प्राण किसी तरह से छूट नहीं रहा है, बड़ा कष्ट पा रहे। बाबा कोई उपाय है, जल्दी जल्दी इनको मुक्ति मिल जाए। मैंने कहा एक काम करो, आप लोग सभी मिल करके इनको एकादशी व्रत करके फल दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है, लेकिन एक एक दिन बड़ा कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा एक काम करो, हाथ में फूल लो, फूल लेकर के संकल्प करो हम लोग सब मिल करके हम एकादशी व्रत हम फल इनको देंगे। सब लोग पानी लेकर के और फूल लेकर संकल्प करो। उनने जब संकल्प किया 2 घंटा बाद में उसका शरीर छूट गया। 2 घंटा बाद उसका शरीर छूट गया, 7 साल शरीर छूट गई। इतने महिमा एकादशी। देखना एक व्यक्ति बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, सारा जीवन चोरी गुंडागिरी बदमाशी किया, अगर एकादशी का दिन प्राण छोड़ता है हम क्या बोलते हैं। बोले भैया एकादशी का दिन प्राण छोड़ता है, एकादशी का बड़े ही पुण्य आत्मा है, भले ही जितने बड़े पाप कर्म किया है, अगर एकादशी दिन प्राण छोड़ना कहते भैया क्या उसने पुण्य किया जो एकादशी का दिन प्राण छोड़ा। इसलिए एकादशी की इतनी महिमा है एकादशी की। इसलिए ये एकादशी व्रत कब से रखी गई, देखो इसकी कथा सुनो। बोले एक समय भगवान कृष्ण नारद एक समय जा रहे थे, जाते जाते हठात उनको रोने की आवाज सुनाई पड़ी, बचाओ और नहीं छोड़ दो, कभी हम और गंदा काम नहीं करेंगे, बड़े जोर से चिल्ला रहे थे। कृष्ण ने कहा नारद जी हम कहां पर आ गए हैं। बोले प्रभु आपको दुनिया का मालिक आप क्या नहीं जानते हो, अभी हम जमपुरी में आ गए। जमपुरी को पास में आ गए, जम महाराज कर्म का अनुरूप जहाँ पर 84 नर्क में ये दंड प्रदान करता है। बोले नारद जी चलो हम चलते हैं। जब वहां पर पहुंचे ना, जो जैसे कर्म कर रहा था, किसको तो जैसे कढ़े में जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना, जो मांस मछली खाने वाले हैं, मांस मछली जैसे उनको कढ़े में जैसे पकाते हैं, उनको भी ऐसे कढ़े में पका रहे थे। हैं जो व्यक्ति दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, लोहे गला करके उसको मुंह में डाल रहे थे, जो इन्हीं आंखों में गंदी गंदी मूवी देखते हैं उनको आंख निकाल रहे थे, जो तराज में हेर फेर करते हैं उसको हाथ काट रहे थे, चीख रहे थे बचाओ और नहीं छोड़ दो। लेकिन वहां पर जब भगवान कृष्ण और नारद जी वहां पर गए और वो पापी लोग बड़े कष्ट भोग कर रहे थे, जब उन्होंने उनको ठाकुर जी को दर्शन किया, दर्शन मात्र से सबके सब मुक्त होकर चले गए, सबके सब धर्म को मुक्ति मिल गई। इतने में कृष्ण नारद जी को पूछे, बोले नारद जी बताओ आज कौन सा तिथि है। बोले प्रभु आज एकादशी तिथि है। बोले नारद जी जाओ सर्वत्र बिना बजा करके तुम प्रचार करो, वो कभी नरक नहीं भोग करेगा, ये भगवान के आदेश है। इतने में नारद जी उठाया बिना उठा करके सर्वत्र उन्होंने प्रचार किया। बांके बिहारी का आदेश है जो व्यक्ति ये एकादशी व्रत रखेगा वो कभी नरक नहीं जाएगा। अभी इसको सुन करके सबके सब लोग एकादशी व्रत रखना शुरू कर दिया। जब एकादशी व्रत रखा सबके सब भगवत लोग जाना शुरू हो गया। अभी जो पाप था ना ये बड़े दुखी होकर के भगवान के पास में आया। बोले प्रभु आप जगत में ऐसे एक व्रत रखे
सबके सब ये एकादशी व्रत करके सबके सब वैकुंठ जा रहे हैं। प्रभु मेरे को तो कहीं स्थान दे दो। भगवान का देखो ये एकादशी का दिन जो अर्ण भोजन करेगा, तुम ये अर्ण को आश्रय करके रहो। इसलिए नियम है एकादशी का दिन पांच सस्य नहीं लेनी चाहिए। एक तो गेहूं, गेहूं में जो जो कुछ बनता है आटा, जैसे उसमें सूजी जो कुछ बनता है, जौ है, सरिसो है, दाल है, हैं? इसलिए ये जो गेहूं ये सब चीज पांच तरह का जो रवि सस्य है, कहते ये चीज एकादशी का दिन वर्जित है। खाने के लिए तो बहुत सारी चीज और सब चीज खा सकते हो। हाँ, आलू की सब्जी बना कर खा सकते हो, कुट्टू आटा का पकड़ी बना करके, फ्रूट क्रीम बना करके, मिठाई खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है। आज एक हरीश प्रभु के घर में हम तो आज एकादशी का दिन प्रसाद पाने के लिए गए थे। कोई कोई बोल रहे थे भैया रोज एकादशी होती है, इनके घर में गए थे बोले रोज एकादशी, बोले क्यों, बोले फ्रूट क्रीम बनाए थे, बड़े सुंदर मखाना मूंगफली है और बड़े सुंदर कुट्टू आटे के पकौड़ा बनाए थे, कितने तरह का फल और सब्जी। बोल रहे थे भैया रोज की एकादशी रोज क्यों नहीं बनाते हैं ये एकादशी। इसलिए खाने के लिए तो बहुत सारी चीज, सस्य को छोड़ करके और सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन एकादशी का दिन अन्न को ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या और पिता माता की हत्या अन्न का दिन आश्रम करके रहता है। जो व्यक्ति एकादशी का दिन ये अन्न भोजन करता है उसको सारे पाप भोगना पड़ता है। कहते सारे पाप से मुक्ति है, लेकिन एकादशी का दिन जो अन्न भोजन कर, एकादशी सबसे जो बड़ी एकादशी उसका नाम पांडवा निर्जला, जो सबसे बड़ी है। जिस व्रत को पांडव लोग द्रौपदी कुंती को साथ में रखते थे, क्या द्रौपदी विधवा थी? कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा एकादशी व्रत रखती थी, जिस वजह से कृष्ण उनको पति रूप में मिले हैं, पति रूप में मिले हैं। पुराण में रुक्मांगद महाराज की कथा आती है, दोनों पति पत्नी एकादशी व्रत रखते थे। इसलिए एकादशी व्रत सभी रख सकते हैं, इसलिए विधवा सतवा की कोई बात नहीं। और एक बात है, ध्यान देकर सुना, कोई कहते हैं भैया एकादशी को फिर उद्यापना करनी चाहिए। देखो हमारी वैष्णव धर्म में ये उद्यापना का कोई बात है ही नहीं। उद्यापना मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। भैया एकादशी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूप ही है, ये भगवान कृष्ण का व्रत है, भगवान कृष्ण का व्रत है। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में ये उद्यापन का कोई नाम ही नहीं है। जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक एकादशी व्रत रखो, जब तक तुम्हारी समर्थ है। इसलिए दो पति पत्नी थे, वो शूद्र शूद्राणी थे, ये शूद्र शूद्राणी थे, ये शूद्र शूद्राणी का प्रति बड़ा आसक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था उसी दिन था एकादशी। उसी दिन वो शूद्राणी को बड़ी पेट की बुखार आई, लेकिन वो प्रेम में पागल था, उसने भोजन नहीं किया। ये भी उसका दुखी तो दुखी होकर भजन नहीं किया, वो दिन भर छटपट करते रही और दूसरे दिन प्राण त्याग की। ये भी दुखी होकर के प्राण त्याग की, दूसरे जीवन में ये रुक्मांगद महाराज और उनकी पत्नी बनकर रानी बनकर के जन्म हुई। ये पृथ्वी का ये अनजान में एक एकादशी व्रत कितना फल है, अनजान में भी कोई व्रत हो जाए। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी कथा है शास्त्र में, लेकिन अभी समय नहीं होने का नाते मैं इतना कथा आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ। हाँ देखो, आपसे एक चीज में प्रार्थना करूंगा, मैं जब जब आता हूँ बैठने के बदले, जब जब मैं आता हूँ कुछ ना कुछ लोग कुछ हरिनाम माला लेकर जाते हैं, कुछ कुछ माला लेकर के जाते हैं। लेकिन देखो जैसे गुरुदेव जो माला देते हैं वो माला नहीं देते, ये ठाकुर को देते हैं, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। ये हरि का नाम नहीं, भगवान वाक्य बिहारी ये हमारी पास में आया है। जब माला हमारी पास में आए, नियम है ये माला को रोज जप करनी चाहिए, माला को रोज जप करनी चाहिए। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे अगर एक दिन हमने माला नहीं जप की, इसका मतलब है आज ठाकुर जी का स्नान हमने नहीं कराया, ठाकुर जी भोजन नहीं किए, ठाकुर जी कपड़ा नहीं बदला, अगर एक दिन अगर हमने ये माला जप नहीं किया। क्यों? ये माला स्वयं श्री ठाकुर जी माला रूप में आए हैं। इसलिए कोई कोई व्यक्ति को मैंने तुलसी कंठी दी गले में, दूसरे साल देखता है गले में कंठी नहीं है। मैंने कहा भैया कंठी कहाँ गई? बोले टूट गया। देखो अगर कहीं कंठी टूट जाती है फिर धागा में उसको खो करके पहन लो। हमारे गुरु जी कहते थे अगर गले में तुलसी कंठी अगर टूट गया ना,
पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज खाते और पीते हैं ये कंठ में रहता है, ये इसको टच करते हुए ये अंदर में जाती है, ये पवित्र बन करके जाती है। जब कोई बोली बोलते हैं वो पवित्र बन करके बोली निकलती है। और गले में अगर तुलसी कटी नहीं, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई ना भैया, तुमको जमपुरी तुमको जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रो सकते। जम स्वयं कहते हैं जम जितो को, बोले ललाटे तिलकम नास्ती कंठ नास्ती त्रिकंठिका, बोले किन किनियों को ले आओगे, बोले जिनकी गले में कंठी नहीं तिलक नहीं उनको ले आना, जिनकी कंठी तिलक देख लोगे समझ जाना ये भगवान की भक्त हैं, उनको दूर से प्रणाम कर लेना। भगवान जम स्वयं कहते हैं, इसलिए अगर गले से कंठी उतर गई ना, जब तक कंठी को दो बार नहीं पहन लेते हो तब तक पानी तक भी नहीं चाहिए। इसलिए गले में तुलसी कंठी जरूर धारण करो, कंठी जरूर धारण करनी चाहिए। देखो जैसे आपको अमेरिका जाना है, नहीं तो आपको फ्रांस जाना, नहीं तो रशिया विदेश जाना, आप लोग बताओ तो तुम्हारे पास में ऐसे क्या क्या चीज हो, कौन सा चीज हो जो आप विदेश जा सकते हो, बोलो कौन बोलेगा हाथ उठा। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तुम्हारे पास में क्या क्या चीज होनी चाहिए आप विदेश जा सकते हो, बोलो जोर से। देखो तीन चीज होनी चाहिए, पहला नंबर पासपोर्ट, दूसरा नंबर में वीजा, तीसरा नंबर में टिकट। अगर ये तीन चीज होना आप विदेश जा सकते हो। देखो ये साधारण इसी दुनिया में, साधारण इसी दुनिया में अगर तीन चीज हो आप जा सकते हो, अगर उसी तरह अगर आप भगवान को पास में जाना चाहते हो आपको पास में तीन चीज होनी चाहिए। बच्चे किसका गोद में ले लो, ये बच्चे किसका है इसको गोद में ले लो, अपना पास में रखना। इसलिए कहते भगवान को पास में जाना चाहते हो हमारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। पहला नंबर होना चाहिए पासपोर्ट, बोले भैया ये पासपोर्ट क्या है, बोले गले में तुलसी की कंठी है, गले में तुलसी की कंठी होनी चाहिए हैं। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी जब ये अमेरिका में गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां पर बोले भैया गले में तुलसी की कंठी पहनो, वो तो अंग्रेजी लोग हैं, बोले भैया ये तुलसी कंठी ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, हमारे पास में सोने चांदी है हैं हीरे जवाहरात, हम इसको पहनेंगे, ये लकड़ी क्यों पहनेंगे, वो अंग्रेजी है ना। तब हमारे गुरुजी जो बड़े गुरुजी थे जिसने इस्कॉन का स्थापन की, उन्होंने वेद पुराण उपनिषद से कितने श्लोकों को उन्होंने उद्धृत करके बताए, देखो ये तुलसी वृक्ष साधारण नहीं है। तब अमेरिका में साइंटिस्टों ने रिसर्च किया है, बोले भैया ये हिंदू लोग ये के पेड़ पूजा क्यों करते हैं, तुलसी पेड़ है ना, देना घर घर में तुलसी वृक्ष है, पानी देते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको आरती उतारते हैं, बोले भैया ये हिंदू लोग ये पेड़ पूजा क्यों करते हैं। इन लोगों ने अमेरिका में रिसर्च किया तुलसी वृक्ष को, रिसर्च करके देखा पृथ्वी में अगर सबसे ज्यादा कहीं मेडिसिन दवा है ये तुलसी वृक्ष में, जितने दवा और किसी में इतने दवा नहीं। इसलिए हम लोग कल एक मेडिसिन शोध से एक दवा ढूंढना, उसका नाम तुलसी पावर, हम जा करके पूछना आपके पास में तुलसी पावर है, देखना इतना बड़ा हमको बोतल देगा सीसी, इतना बड़ा पेपर उसमें है, कल ये पेपर को पढ़ करके मेरे को बताना उसमें क्या क्या लिखा हुआ, उसमें 200 बीमारी का नाम उसमें बताया। कहते ऐसे कोई बीमारी नहीं ये तुलसी जूस को तुलसी पत्ता को सेवन करने से जो बीमारी सही नहीं होता है। कहते दो दो अगर रोज कोई तुलसी पत्ता खाए ना कभी टीबी कैंसर हार्ट अटैक तक कभी तुम्हारा नहीं होगा। इसलिए एक व्यक्ति को मेरे जानता हूं इसका हो गया कैंसर, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कोई उपाय नहीं, तब उन्होंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उसको तुलसी जूस को पीने के लिए बताया, उसी से उसको कैंसर सही हुई, कैंसर सही हुई उससे। इसमें इतने दवा, अब रामदेव पतंजलि में जाओ देखना तुलसी वहां पर जूस पीता है, और पेपर को पढ़कर देखना क्या क्या लिखा हुआ। इसलिए ये तुलसी वृक्ष में इतने दवा है पृथ्वी में और किसी चीज में नहीं। देखो अब हम लोग तो हिंदू हैं, देखना जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्ता देते हो कि नहीं, कौन कौन देते हो तुलसी पत्ता, ये भी बहुत बड़ा साइंस ही है, क्योंकि जितने गंदी बैक्टीरिया है ना तुलसी पत्ता देने से वो सारी खत्म हो जाती है, ये भी बड़ा साइंस ही है।
ये तुलसी वृक्ष ऐसे के वृक्ष है जो दिन में ये ऑक्सीजन भी देता है और रात को ऑक्सीजन भी देती है। ये तुलसी वृक्ष देखो हमारे जो भारत में है, भारत में जैसे पीपल पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़ है, तुलसी पेड़ देखना, यही दो चार पेड़ है, कितना पूजा करते ना हिंदू लोग, ये बड़ा साइंस साइंटिफिकल रीजन है। यही पेड़ ही दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी यही ऑक्सीजन देता है, लेकिन दूसरे दूसरे वृक्ष दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड को देता है, लेकिन ये तीन चार वृक्ष केवल ऑक्सीजन रात में दिन में देते हैं। इसलिए हमारे जो भागवत हमारे जो हिंदुओं में जो ये जो चीज है ना बड़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए गले में देखो ये तुलसी लक्ष्मी है, तुलसी कौन है, तुलसी कौन है, लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है। देखना ये सालग्राम को साथ में साथी होती है, अगर किसकी गले में तुलसी बैठी है ना उसको गले में मां लक्ष्मी की निवास होगी। और भगवान जब ये दुनिया से गए अपने आप को कहाँ रख कर गए, तुलसी वृक्ष में। हम कहते ना भैया वृंदावन न चलो, बोले बाकी बिहारी बोले क्यों, बोले वृंदावन वृंदा मतलब तुलसी वन मतलब वन, जहाँ पर तुलसी का वृक्ष वही पर वृंदावन। अगर गले में तुलसी कहती है ना तुम्हारी गले में लक्ष्मी और नारायण दोनों की निवास होगी। अभी देखो हम इसको गले में क्यों पहनते हैं, ये चीज को समझो अच्छे तरह से, ध्यान देख रहे सुन रहे कि नहीं। अभी प्रश्न हम इसको गले में क्यों पहनते हैं, इसका साइंस देखो। कहते शरीर का जो सबसे कोमल अंग ये कंठ है, अगर किसी व्यक्ति को मारना हो ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, बांस गला दबा दो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए शरीर को अंदर में जब कोई गंदी चीज प्रवेश करती है वो कंठ से। इसलिए बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो, बच्चों को ताबीज कहाँ पहनाते हो, कंठ में पहनाते हो। अब क्रिश्चियन को देखो क्रॉस यहीं पहनते हैं, मुसलमान को देखो कि काला धागा गले में पहनते हैं, हैं? क्यों, कोई गंदी चीज अंदर में प्रवेश नहीं करे। अगर गले में तुलसी कंठी प्रिय लक्ष्मी नारायण और सारे मेडिसिन इसके अंदर में, इसलिए कोई भी गंदी चीजें आएगी ना आपका अंदर में वो प्रवेश नहीं करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करता है रक्षा करता है। इसलिए ये गले में इसको कंठी कहते हैं, इसलिए गले में ये तुलसी माला हम धारण करते हैं। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन है वृंदावन गए हाथ उठाओ तो। हम लोग वहाँ अंग्रेजी मंदिर में जाना, देखना अंग्रेजी मंदिर में, हम तो हिंदू हैं, आप कभी अंग्रेजी मंदिर में जाना देखो। हम लोग तो बचपन से हमारी ये संस्कार है तुलसी पूजा करना भक्ति करना, वो अंग्रेजी लोग है, वो लोग जब तक साइंटिफिक कोई रिलीजन को नहीं देखते ना वो मानते नहीं। उनको जाकर देखना इतने इतने मोटे मोटे माला काट काट कर गले में मोटे मोटे, हम तो तीन उनको गले में देखना पूरा गले में तुलसी कट्टी है, 8-10 तुलसी कट्टी पहनते हैं, वो ऐसे नहीं पहन लेते हैं। इसलिए गले में तुलसी कट्टी जरूर धारण करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन तुलसी कट्टी धारण करने के लिए आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, ये प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा इसलिए। और तिलक जरूर लगानी चाहिए, जो तिलक है ये गोपियों की चरण धोली ये तिलक है, ये तिलक कोई साधारण वस्त्र नहीं, ये नारद जी ये गोपियों की चरण धूल कर लेकर के द्वारका में गए, भगवान वहां पर स्नान की तो भगवान की सर दर्द और बुखार सही हुआ। इसलिए हम लोग तो हिंदू लोग है, लेकिन जैसे कोई अच्छी बिजनेस में जाता है कोई तिलक लगा करके उनको भेजते हैं, तिलक लगा कर भेजते हैं, क्यों, ये विजय का लक्षण है। इसलिए अगर ललाट में हमारे तिलक नहीं ना ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए जरूर ललाट में तिलक धारण करनी चाहिए, गले में तुलसी की कट्टी पहननी चाहिए और भगवान की माला ठाकुर जी की नाम भी जप करनी चाहिए। आज कुछ भक्त लोग आए थे माला लेकर गए हैं, अगर और किसकी इच्छा होगी तो कल हम लोग आ करके 9 बजे 7-8-9 बजे आकर के हम माला, प्रभु थोड़ा रुक जाओ इधर जब मैं बुलाऊंगा तब आना। और देखा इधर देखो मैं एक चीज को प्रार्थना कर रहा था, जिन लोगों ने पहले माला लिए हैं, जो लोग पहले माला लिए हो, इसलिए आपसे प्रार्थना है कल आप लोग 10 बजे थोड़ी सी मेरे पास में आओ, जैसे कोई अच्छी अच्छी बात आपको समझाऊंगा, हरिनाम कैसे करनी चाहिए, ठाकुर को कैसे भोग लगाओगे, माला तो ले लिया आपने, जैसे कोई पौधा हमने लगाया गमला में अगर उसमें पानी नहीं देगा तो बताओ पौधा कब तक रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगी तो मर जाएगी, इसलिए माला तो हमने ले लिया, लेकिन उसको आगे अगर और भक्ति की बात नहीं सुनोगे माला छूट जाएगी, तिलक छूट जाएगी, सब छूट जाएगी,
इसलिए जिन जिन लोगों ने पहले माला लिया हो और जिनको माला लेना है अब लोग 7-8 बजे आना जो लेना है 9 बजे तक आना, लेकिन जो लोग माला पहले लिए हो कल आप लोग 10 बजे आना। कितने बजे आओगे? कितने बजे आओगे? जरूर आना, हाँ जरूर आना जिन लोगों ने माला लिए, क्योंकि आप हम कुछ अच्छी अच्छी हम कुछ बात आपको बताएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राम। और एक बात, कल श्री गिरिराज की पूजा है, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा है। कहते गिरिराज गोवर्धन में अगर एक अन्न की दाना अगर गिरिराज की सेवा में कोई लगाते है ना, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं होता। कल यहाँ पर श्री गिरिराज अन्नकूट महोत्सव होगा, आप लोग अपना घर से कुछ ना कुछ बना करके लाए, जो बढ़िया चीजें बनाते हो, क्योंकि एक अन्न की दाना किसी जीवन में एक बार लगाना, कहते जन्म जन्मांतर से अन्न और वस्त्र की घर से कभी अभाव नहीं रहती है। ये अन्नकूट की इतने महिमा, इसलिए कल थोड़ी थोड़ी लेकर के आना, जो प्रसाद लाओ जैसे कहीं चावल कोई लाना, नहीं तो कोई पूरी हलवा, नहीं तो कोई जो चीज आप अच्छे बनाते हो, कोई फल हो नहीं तो कोई मिठाई हो, खाली हाथ से कोई नहीं आना, सबके सब कुछ ना कुछ लेकर के आयो। गिरिराज की पूजा होगी, ये प्रसाद फिर आपको ही मिल जाएगा, जो लाओगे वो प्रसाद आपको ही मिलेगा। देखो कौन कौन गिरिराज में गए हो, कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ। देखना जो लोग गिरिराज गए होंगे, देखना वो गिरिराज जो शिला है ना, शिला के ऊपर में शिला रखा हुआ देखियो, देखे कि नहीं, शिला के ऊपर शिला क्यों रखते हैं? जो जितना शिला के ऊपर शिला रख लेते ना ठाकुर जी, उतना मंजिल इसको मकान दे देते हैं, उतना मंजिल इसको ठाकुर जी मकान दे देते हैं। देखो मैं आपको एक सही घटना बता रहा हूँ, ये बड़ौदा में हमारी एक बात, मैं प्रचार करने जाता हूँ, मैंने एक साल पहले उनके घर में गया था, देखा एक छोटी सी घर था, छोटी सी मकान थी, लेकिन मैं जब दूसरा साल गया ना, उसमें 3 मंजिली मकान मैंने देखा, बड़े आलीशान मकान देखा। मैंने कहा भैया तुमको एक साल में तुमको ये 3 मंजिली मकान कैसे मिली? देखो क्या कहता है, बोले बाबा मैं गिरिराज गोवर्धन गया था और गिरिराज की परिक्रमा की और मैंने अभिषेक की, और जो 3 शिला के ऊपर में 3 शिला रख करके गिरिराज से प्रार्थना किया ठाकुर जी मेरे को 3 मंजिली मकान दो, पता नहीं मेरी बिजनेस में इतना बड़ो तो कहाँ से हुई, एक साल में इतने मेरे मुनाफा हुई, लाभ हुई, मैंने एक साल में मैंने 3 मंजिली मकान बना दिया। ये स्वयं वो व्यक्ति अपना अनुभूति की बात बता रही थी, इसलिए कहते जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते है ना, ठाकुर भी उसको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं, ये क्या मेरे को मांगेगा इतने कष्ट करके परिक्रमा कर रहे हैं। जिनका बेटा बेटी की शादी नहीं होती है, कहते वहां पर पेड़ में पेड़ बांध दो, अभिषेक करो और वहां पर ठाकुर जी को धागा बांध कर जो कुछ कामना लेकर जाते हो ना, गिरिराज सब इच्छा पूरी कर देते हैं, इसलिए इनका नाम सर्व अभिष्ट प्रदाता, क्योंकि बांके बिहारी दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है। बांके बिहारी किसको पूजा की बताओ तो? गिरिराज को। दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करता है, बांके बिहारी किसको परिक्रमा की थी? गिरिराज की। गिरिराज की बड़ी महिमा है, कल हम श्री गिरिराज की सारी कथा सुनेंगे, इसलिए सब लोग कोई खाली हाथ से नहीं आना, कुछ ना कुछ गिरिराज के लिए लेकर के आना, यानी कि भोग लगेंगे तो गिरिराज के आशीर्वाद मिलेगा, पर घर में तो खूब फलते फूलते रहोगे। एक बार गिरिराज की जय जयकार करो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। में आनंद नहीं आया, कुछ लोग तो चुपचाप मुंह ही खोल दिया। देखो जो जितने जोर से जयकार देगा ना उसको उतना पाप खत्म होगा, ठाकुर का थोड़ी जय जय तो तुम्हारी होगी, तो जितने जोर से जय देगा उतना अपना जय होगा। आप जय दिन नहीं बनाइए, बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी श्री राधा रानी आ रही है, आज श्री राधा रानी की जन्म की कथा हम सुनते हैं। क्या देखो कुछ कुछ लोग हैं, कोई भी खड़े रहो दो मिनट, कुछ कुछ लोग हैं प्रश्न करते हैं, जैसे वृंदावन में जाओ देखना कोई भी बांके बिहारी का नाम नहीं लेते हैं। आप बताओ तो वृंदावन में किसका नाम लेते हैं? जोर से बोला आवाज उठा रही है, इसलिए यहाँ पर सबके संश्री राधा रानी का नाम लेते हैं। कहते भैया तुम इतने राधे 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 बोलते रहते हो, फिर ये वृंदावन में फिर जो राधे राधे फिर भागवत में राधा जी का नाम फिर कितने, कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। लेकिन हमारे महाप्रभु के संप्रदाय के संत कहते हैं
अरे भैया भागवत में राधा रानी के नाम के सिवाय और कुछ है ही नहीं। भागवत में तो राधा ही है और कुछ है ही नहीं। इसलिए ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब क्या है? श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब प्रेम, मद मतलब प्रेम। इसलिए ये भागवत नहीं, ये राधा रानी का प्रेम श्रीमद् भागवत है। अभी प्रश्न है, पर ये भागवत में राधा जी का नाम फिर क्यों नहीं? तब हम टीकाकार कहते हैं, जब श्री सुखदेव गोस्वामी एक बार राधा रानी का नाम लेते थे, वो 6 महीना तक बेहोश हो जाते थे। उन्होंने देखा अगर राधा जी का एक बार नाम लेकर के अगर 6 महीना बेहोश हो गया, फिर भैया फिर 6 साल तक भी कथा नहीं सुनाएगा। इसलिए राधा जी का नाम उन्होंने नहीं लिया है, पहला कारण। दूसरा कारण, राधा रानी ने मना की थी, देखो मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को तुम छुपा कर लिया करो, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लिया। तीसरा कारण बताए, आप लोगों ने मेहंदी लगाते हो? कौन कौन मेहंदी लगाते हो? सब लगाते हैं। आप लोगों ने मेहंदी पत्ते देखे हो? देखे हो? बताओ तो मेहंदी पत्ते का रंग कैसे? जोर से बोलो, क्या सचमुच से ये पत्ता हरा है? क्या सचमुच से ऊपर से तो पत्ता हरा है, क्या सचमुच से ये पत्ता हरा कि ना? और क्या है, बोलो जोर से, लाल। लेकिन वो ऊपर से क्या दिखती है? हरा। लेकिन उसको पीसो तभी वो हरी हरी दिखेगी। लेकिन जब आप लोग हाथ में लगा लेते हो फिर कौन सा रंग हो जाता है? लाल। क्या उसी तरह भागवत देखो, ऊपर में तो हमको कृष्ण 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 दिखेगा, लेकिन अंदर में देखो ना क्या दिखेगा? अंदर में राधे 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 है, क्योंकि बोले आत्मा तो राधिका है। वो बाकी बिहार का जो आत्मा है ना, ये श्रीमती राधा रानी, इसलिए भागवत में राधा ही। चौथा कारण बताए, देखो जो कृष्ण भक्ति वो आसानी है, लेकिन जो राधा रानी की भक्ति है ये दुर्लभ है। राधा जी की भक्ति बड़ी दुर्लभ है। कृष्ण जो भक्ति बताया, एक बहता हुआ नदी का पानी जैसे, बहता हुआ नदी का पानी सब पी सकते हैं, जानवर इंसान के लिए, लेकिन कुएं में पानी हो सब नहीं पी सकते हैं। जिसको पास में रस्सी कोई पात्र होगा ना, वही व्यक्ति कुएं का पानी पी सकता है। मतलब क्या? कृष्ण जब तक कोई रस्सी के संप्रदाय से हम नहीं जुड़ेंगे, भैया राधा रानी भक्ति हमें नहीं मिलेगी। ऐसे संप्रदाय से जुड़नी चाहिए कि संप्रदाय में राधा रानी की एकनिष्ठ भक्ति होता है, तभी तुम्हें राधा रानी की भक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसे जगह पर जुड़े जो भगवान को निजाकार कहने वाले, पर ये राधा जी की भक्ति तो मिलेगा कहाँ से? और ऐसे जगह में हम जुड़े हैं जो राधा माता को भी जानते ही नहीं, तब वो भक्ति मिलेगी कहाँ से? राधा जी की भक्ति कहते, राधा जी की भक्ति पाना तो जिस संप्रदाय में एक अनिष्ट राधा रानी की भक्ति होती है वहीं पर जुड़ेगा, तब फिर हमें राधा रानी की भक्ति हमें मिल सकती है। इसलिए कहते श्री वृषभ महाराज जी जो थे, इनके घर में एक बेटा था, लेकिन घर में कोई बेटी नहीं। ये सोचते हैं भैया घर में जो बेटी होनी चाहिए, क्यों? बेटी आई ना दुनिया कहते लक्ष्मी आई है। ये रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए यमुना में जाते थे। एक दिन देखा एक सतदल कमल पुष्प के ऊपर में बड़ी सुंदरी एक ईश्वरी किलकार मारते हुए और अपना अंगूठा को चूसते हुए बहते हुए जा रहे हैं, बड़ा तेज है। इतने में वृषभानंद महाराज पानी में उतरे और वो लाली को उन्होंने अपना हाथ बैठा लिया, बोले श्रीमती राधा रानी की। और उन्होंने किसको दिया? बोले कृतिका सुंदरी को दिया। नारद जी ने देखा, भैया कृष्ण तो जन्म हुए, राधा रानी जरूर कहीं जन्म होगी। तब उन्होंने जब उन्हें रावल में पहुंचा, देखा श्री राधा रानी जन्म हुई है। इतने में उन्होंने राधा रानी की बड़ी सुंदर स्तुति करती है, ले आ भैया राधा रानी को ले आ। श्रीमती राधा रानी की, श्री वृषभानंद राज नंद की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तब श्री नारद जी बड़े सुंदर स्तुति करते हैं, बोले मुनिन्द्र बृंदा बंदिते
संगति सदा परिश्रिया पाद पाचवाल पल्लव प्रभारुणाधिगोल कराभय स्फुरतरे प्रभूत सम्पदालये कदा तरी सतीयमाम्बुसाकपाचराजन सतेश्वरे त्रियेश्वरि सुरेश्वरि सुरेश्वरि रामेश्वरी कमेश्वरी राज नंदन की जय श्री कृतिका कुमारी की जय 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 श्री राम प्रभु जी राधा रानी की बधाई जाएंगे और देखो इधर सुना राधा रानी ये लक्ष्मी है राधा रानी ये लक्ष्मी जन्म ग्रहण की ये लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी क्यों मूल लक्ष्मी श्री राधा रानी देखो और एक चीज की प्रार्थना करता हूँ ध्यान देकर सुना जैसे जो कथा होती है ना थोड़ी सी कोशिश करना जल्दी आने के लिए क्या कोशिश करना थोड़ी सी जल्दी आने के लिए मैं देखता हूँ जब कथा समाप्त होने जा रही है ना तभी कुछ माताएं धीरे 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 आ रही है आप जब फिल्म देखने जाते हो बताओ तो कब जाते हो बीच में जाते ना पहले जाते ना लास्ट में जाते हो बताओ फिल्म देखने के लिए कब जाते हो आधा घंटा पहले लाइन लगाएंगे अगर गंदी से गंदी पिक्चर होगा ना फिर हम तो घूस दे करके फिर टिकट खरीदी करेंगे तीन तीन घंटा बैठेंगे बुद्धि खराब करेंगे मन खराब करेंगे और नरक का रास्ता खाली करता जाएगा और ये भागवत कथा हो रही है ठाकुर जी की कथा और आते ही जब खत्म होने आते हैं इसलिए कोशिश करना और दो दिन है कम से कम थोड़ा जल्दी आने के लिए ठीक है बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे सब जगह खड़े हो जाओ राधा रानी की जन्म उत्सव में नृत्य करना सब कुछ मंगल भगवती भई सुधार के मंदिर भगवती भई मैया निराली राई
सुंदर की श्री हापुर के भक्त वृंद की